पिता हम जीवित हैं प्रभु, ये आपकी बड़ी दया है पिता। पिता आज हम मिलकर मांगते हैं प्रभु, प्रभु सचमुच वो आराधना प्रभु, प्रभु जैसे आराधकों को आप ढूंढते हैं पिता, वैसे आराधना हम करें, ऐसा अनुग्रह आप हम पर कीजिए। पवित्र आत्मा इस जगह का हम सबों का ताबा आप ले लीजिए। सचमुच जो भी लोग आए पिता, जो बंधनों में हो पिता, स्तुति आराधना के जरिए प्रभु वो छुटकारा पाए पिता। पिता जो बीमार हो पिता, वो चंगाई को पाकर जाए पिता। पिता आपकी शिफा को लेकर प्रभु यहाँ से लौटे और प्रभु आपके गवाह ठहरे पिता, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बात के लिए पिता। प्रार्थना को यीशुआ के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन आमेन आमेन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही अभी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, हाँ हाँ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठा घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, हाँ हाँ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ।
प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पिता के चरणों में ले चलिए, क्योंकि हम ऐसे आराधक बनना चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करे। मेरे पिता परमेश्वर, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
हम आपके और करीब आना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। ऐशदाई आराधना एलोही अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना, अंशदाय आराधना, इलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एलशदाय आराधना एलोहीम आराधना अडो के योग्य केवल आप है मेरे प्रभु। हालेलुया। हमारे दिल में प्रभु केवल आप ही का नाम है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं मेरे पिता परमेश्वर। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे
महिमा करूं तेरी हर पल सदा, करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ। महिमा करूं तेरी हर पल सदा, अपने हाथों को उठा कर करूं स्तुति वंदना, अपने हाथों को उठा कर करूं स्तुति वंदना। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया। भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया। अपने मार्ग पे चला अनंत जीवन तूने दिया, अपने मार्ग पे चला कर अनंत जीवन तूने दिया। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सेवा कोई नहीं मेरे पिता, जिसने हमें उद्धार दिया केवल वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। हालेलुया। छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया छुलिया
फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया, फिर मुलाकात का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया हालेलुया। दर खुला रूह में अब दिया राम का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरे लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम,
महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, दिल की गहराइयों में बसा तू ही प्रभु, प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे मारे जाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, माही
माही माही माही माही माही माही माही माही माही माही माही माही माही अपने प्रेम पिया धीरज को हो गई हा दीवानी हो गई हा दीवानी उस दिन आवे लागती है ये सारी जिंदगानी ये सारी जिंदगानी अब नहीं है गवारा होना उससे जुदा माही 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 अब नहीं है गवारा होना उससे जुदा ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा माही 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 रोम रोम मेरी नस नस दे विच वसिया प्यार माहीदा वसिया प्यार माहीदा मैनू मिल गया सजन प्यारा कुछ ना और चाहीदा कुछ ना और चाहीदा सोना करदा है माफ मैनू मेरी खता माही 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 सोना करदा है माफ मैनू मेरी खता ओ राजाओ का राजा मेरा बादशाह ओ राजाओ का राजा मेरा बादशाह मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा मैं विच हर लोड़ पूरी अपनी
मैनू किसी चीज की करे हर लोर पूरी अपने अजीज री लब जाए
तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए, हे तेरे भवन में आनंद की परिपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में पर सब हुई समाप्ति, हार शैतान मेरी पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, हे तेरे भवन में आनंद की पर तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, मेरा प्याला उमर उमर के भरे, हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु का नूर हमारे चेहरे पे चमकता है, हालेलुया, तो हमें प्रार्थना करना कितना जरूरी है, चमके चेहरा हरदम मुस्का करता है जो दुआ, तूफान शोलो में भी चल कर रहे सलामत सदा, मांगे जो भी यीशु तेरे नाम से दे देता है खुदा, दुआ कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, कर ले दुआ,
तू है मेरे हाथों की
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन है उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर अपनी मामूरी से सी
मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से मुझे मेरे मसीह अपनी अपनी ममूरी से छाड़ मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से मुझे मेरे अपनी हुजूरी से थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए. पिता पिता आपका अनुग्रह हम सबों पर है. पिता आपने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया. पिता पिता हमारे द्वारा इस आराधना को आपने ग्रहण किया. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. प्रभु मांगते हैं प्रभु आज के वचन के लिए. पिता सचमुच जो वचन हो पिता वो हमारे लिए हो और प्रभु हम उसे सीधाई से ग्रहण करें ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा हम सबों पर कीजिए. जो भी बंधनों में आए हैं पिता उन्हें छुटकारा दीजिए. पिता जो बीमारी में आए हैं प्रभु आपकी चंगाई को पाकर जाए. प्रभु सारी गवाहियों के लिए भी सारी महिमा आपको देते हैं. पिता एक भी गवाही जो भी यहाँ दी जाए पिता वो आपके नाम की महिमा के लिए हो ऐसा अनुग्रह कीजिए. पिता पिता आपने ऐसा कर दिया उसके लिए धन्यवाद. पिता धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशुआ के नाम से मांगते हैं. ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे. सब लोग तालियां प्रभु की महिमा के लिए ताकत के साथ बजाएंगे. हम लोग जोरदार रीति से बजाएंगे. कितने लोगों ने प्रभु की इस वक्त आराधना की? सब लोगों ने आराधना की? सब लोग शांत हो जाइए. दो मिनट सुनिएगा. हालेलुया. सबों ने प्रभु की आराधना की? सबों ने आराधना के अंदर प्रभु से एक सवाल पूछा. मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं. आप सबों ने आराधना की? yes. सबों ने आराधना की? सच्ची बोलिए. yes. सब ध्यान देना इधर. और मैं ये बात मैंने नोट की सब हम सबों ने आराधना के अंदर प्रभु से एक सवाल पूछा. कौन सा सवाल पूछा? एग्जैक्टली सबों ने पूछा कि प्रभु तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है. एक गीत गाया गया ना यहाँ पे. मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता है मुझसे इतना प्यार. कितने लोगों ने प्रभु से पूछा? पूछा कि नहीं पूछा? सबों ने पूछा. जिन्होंने नहीं पूछा बोलो मैंने नहीं पूछा. पूछना चाहते हो?
तो बोलिए मेरे साथ, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट, सबों ने पूछा तो प्रभु हमसे प्यार क्यों करता है? कभी सोचा है प्रभु प्यार करता क्यों है? बोलिए, आवाज आगे वाली बहनें शांत हो जाएंगे, जिन्होंने गीत गाया जो लीड किया प्लीज शांत हो जाएंगे, पीछे वाली मेरी बहनें या मेरे भाई, कभी सोचा है प्रभु हमसे प्यार करता क्यों है? क्या हम बुद्धिमान हैं? क्या हम ऊंचे पद वाले लोग हैं या कोई अच्छा है हमारे अंदर तभी प्रभु हमसे प्यार करता है? अच्छा आवाज आ रहा है पीछे बहनों से, पाप के कारण हम लोग नाश हो जाए, नाश ना हो जाए, इसके लिए प्रभु हमसे प्यार करता है। और थोड़ा सोचिए, एग्जैक्टली यही बात है कि परमेश्वर की हम लोग क्रिएशन है, उसने हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, हम प्रभु की क्रिएशन है, प्रभु ने हमें बनाया है, इसके लिए हमसे वो क्या करता है? प्यार करता है। तो इस वक्त कन्फेस कीजिए कि मैं प्रभु की बनाई हुई एक हस्तकृति हूँ, प्रभु की बनाई हुई मैं क्रिएशन हूँ। समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप कोई चीज़ बनाओ, क्या आप उस चीज़ को संभाल के रखोगे कि उसको तोड़ दोगे, फेंक दोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? वैसे ही हम सब लोग प्रभु के बनाए हुए हैं। बोलो अपने लिए फख्र से कहो कि मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूँ, उसने मुझे बनाया है, इसके लिए मुझसे वो प्यार करता है, करता है ना प्यार। और एक खुशी की बात बताऊं, परमेश्वर जो प्रभु के दरबार में पहली बार आते हैं ना, उनसे भी बहुत प्यार करता है। करता है कि नहीं करता है? बोलो मेरे साथ, जो प्रभु के दरबार में पहली बार आते हैं परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वचन में लिखा हुआ है धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या करता है? मेह बरसाता है। हम लोग अधर्मी थे, प्रभु ने हम पर मेह बरसाया, हमें धर्मी बनाया। जो पहली बार आए हैं प्रभु उन्हें भी धर्मी बनाएगा। आमीन। तो आइए हम ऐसे नए भाई बहनों का स्वागत करेंगे जो पहली बार इस दरबार में आए हैं। कोई आया भाई बहन पहली बार? कोई हमारी बहन हमारे भाई हैं? आइए जोरदार तालियों से परमेश्वर के दरबार में इनका स्वागत करेंगे। और सब अपने मुख से कन्फेस कीजिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे इस भाई से बहुत प्यार करता है, हमारे इस भाई से प्रभु बहुत प्यार करता है। प्रदर्श, आपको एक पुस्तक दी जाएगी अभी इस वक्त, आप उस पुस्तक को लीजिए, घर में जाकर जरूर पढ़ना। इसमें आपके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम का पैगाम लिखा है कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। घर में जाकर इस पुस्तक को पढ़ना, और इसके अंदर एक येलो कलर का प्रेयर कार्ड दिया गया है, उसमें अगर आपको कुछ प्रार्थना करवानी है उस प्रेयर कार्ड के अंदर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर किसी भाई बहन को भी दे सकते हैं, या आगे प्रेयर डब्बा है आप उसमें भी डाल सकते हैं, आपके उस विषय के लिए प्रार्थना की जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने इस वक्त प्रभु से पूछा कि प्रभु तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, और प्रभु ने कहा क्योंकि तू मेरी क्रिएशन है, तू मेरी रचना है, तुझे मैंने बनाया है। जिसे प्रभु बनाता है क्या प्रभु उसे छोड़ देता है? प्रभु उसकी फिक्र करता है, उस पर ध्यान देता है, कुछ कमी घटी रहती है प्रभु से सुधारता है कि नहीं सुधारता है? सुधारता है ना। तो इस हफ्ते के अंदर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बहुत लोगों के जीवन में अद्भुत काम करके कुछ उल्टा सीधा गड़बड़ को सीधा किया है। आमीन किया है ना। तो जिनके जीवन में प्रभु ने कुछ सीधा किया है, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, आगे आइए। भाई लोग मुझे गवाही बताएंगे, बहनें बहनों को बताएंगे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर गवाहियों का सेशन रखेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। तो जिनको गवाही देनी है बहनें बहनों को आके बताइए, भाई लोग मुझे आके बताएंगे, फिर हम लोग उसके बाद वचन में जाएंगे।
सच्ची मैं बोलता हूँ, परमेश्वर छोटी छोटी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे भाई गवाही लेकर आए कि इनका कोई दुकान है, उसके बाद बाहर जो है ना कुछ नाली खोटी हुई थी, मतलब खड्डा खोटा हुआ था, तो जिसके कारण लोगों को, कस्टमर्स को इनके दुकान में आने में दिक्कत हो रही थी, कस्टमर्स इनके दुकान पर नहीं चल रहे थे। दादा ने बोला, मैंने उस विषय के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और जल्द से जल्द नाली बन गई और आज की तारीख में कस्टमर्स अच्छी तरह से आ रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। दूसरी गवाही बता रहे हैं, पांच नंबर रहते हैं, पांच नंबर से पांच लोग थे, ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले से कहा कि हमें कलीसिया आना है, तो ऑटो वाले ने बोला दो जन का मैं 100 रुपया लूँगा, पर इन्होंने कहा कि हमारे पास है ही सिर्फ 100 रुपया, हम पांच लोग हैं। तो दादा बोलता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो ऑटो वाला रेडी हो गया, हम पांचों को ही 100 रुपये के अंदर कलीसिया में उसने छोड़ा। मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। और दूसरी गवाही बता रहे हैं कि हमेशा इनका घर का लाइट का बिल 500 के ऊपर आता था, इस टाइम उन्होंने प्रार्थना की, दादा बोलते हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इस टाइम पे मेरा बिल खाली 190 रुपये आया है। मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। तो परमेश्वर छोटी छोटी गवाहियाँ करने के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ ऐसी छोटी छोटी गवाहियाँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्रभु हमारे जीवन में करता है। करता है कि नहीं करता है? एक सवाल पूछूँ, कितने लोगों का सर का दर्द आज तक उतर गया है प्रार्थना करने के द्वारा? सच्ची बताना, दवाइयों से भी तो उतरता है, साल्डान टैबलेट लो उससे भी उतरता है, नहीं उतरता है? सही बात है, दर्द तभी उतरता है जब प्रभु की दया होगी, तभी साल्डान गोली काम करती है, बराबर है? तो ये जो अनुभव है ना, जो हमें मिला है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ऐसी चंगाइयां देकर हमें दिखाता है, तेरी छोटी छोटी आवश्यकता को भी मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो ऐसी छोटी गवाहियों के लिए जो प्रभु करता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, प्रभु की ताली बजाकर महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन फूलकली जो यहाँ से गई, उनकी तीन गवाहियाँ हैं, वो बता रही हैं कि उनके भाई का बीपी जो है काफ़ी बढ़ गया था, जिसके वजह से सर में सूजन आ गई थी। उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स निकलवा के दिखाया और उन्होंने इस विषय को प्रार्थना में रखा। वो बता रही हैं कि काफ़ी बीपी हाई था, स्वेलिंग थी, लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आया। डॉक्टर ने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बीपी हाई है, उसकी टैबलेट्स दी और भाई अभी एकदम ठीक है। उनकी दूसरी गवाही है उनके भतीजे के विषय, जिन्हें टीबी हो गया था और उन्हें होल भी था एक अंग में, सिस्टर ने उस विषय में भी प्रार्थना की और सिस्टर बता रही हैं कि जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स थी, जो भी उन्हें हेल्थ इश्यूज थे, सारी चीज़ों से प्रभु ने उन्हें चंगाई दे दी। उनकी तीसरी गवाही उनके बेटे के विषय में है, वो बता रही है कि कोई झगड़ा हुआ, उनके फ्रेंड्स ने उन्हें फंसाया और पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस उन्हें लेने आई, लेकिन उन्होंने इस विषय में भी प्रार्थना की, प्रभु के अनुग्रह से सारा जो मैटर था वो सॉर्ट हो गया और प्रभु के आशीष से उनका बेटा जो है उनके गांव में भी चला गया। इन तीनों गवाहियों के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर निशा की गवाही है, उनका सर काफ़ी दिनों से भारी था, उनका सर दर्द उतर नहीं रहा था, पर एक सिस्टर उनके घर पे गई और उनके लिए प्रेयर किया, वो अभी ठीक है। इसके लिए परमेश्वर को वो धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। भाई ने अद्भुत गवाहियाँ बताई, सुनिएगा ध्यान से। पुणे गए थे, तो जिस जगह पर थे, पूना से उनको कलीसिया जाना था, जो कलीसिया 3 किलोमीटर दूर थी। आपके मन में सवाल जरूर आएंगे इस विषय में, पर प्रभु कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपके इस मन में सवाल जरूर आएंगे, मैं ये गवाही सुन के मेरे मन में भी सवाल आ रहे हैं, पर पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। सुनना ध्यान से, 3 किलोमीटर उनको कलीसिया जानी थी, तो उन्होंने अपने भांजे से कहा कि मुझे कलीसिया छोड़कर आ। तो कुछ बातों के कारण उनको जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब टाइम लग रहा था, पर भाई की इच्छा थी मुझे कलीसिया फटाफट पहुंचना है। अपने भांजे से कहा कि मुझे छोड़कर आ। इसका भांजा घर से चाबी लेने के लिए ऊपर गया,
पर भाई को रहा नहीं गया, बस मुझे जल्दी पहुंचना है। भाई बोल रहे हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, 5 मिनट के अंदर मेरा भांजा तो ऊपर चाबी लेने के लिए गया था, मैं पैदल कैसे कलीसिया पहुंच पाया मुझे ही खुद को पता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका भांजा चाबी लेने आया, चाबी लेकर नीचे आया तो उसके पहले ही मतलब वो कलीसिया के अंदर पहुंच चुके थे। भाई बोल रहे हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं कैसे पहुंचा मुझे ही नहीं पता, पर प्रभु ने मुझे पहुंचाया। आपके मन में भी सवाल आएंगे इसके विषय में, आपके मन में भी सवाल आएंगे, यार ये कैसे, ये क्या क्या बोल रहा है? पर बाइबल में तो एक बात लिखी हुई है, फिलिपुस के विषय में मालूम है हमें क्या लिखा हुआ है? एक जगह पर था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो इनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। तो भाई बोल रहे हैं ये जो गवाही उसने अपनी बहन को बताई, तो उनकी बहन के मन में भी आया, यार तू अजीब बात कर रहा है, उसकी बहन को पाइल्स की तकलीफ थी, तू पैदल वहां पर पहुंच के आया, तू अजीब बात कर रहा है। उसके मन में भी कॉन्फिडेंस, ठीक है मुझे भी तकलीफ है, पर मैं तकलीफ के अंदर भी प्रभु के भवन में मैं पैदल जाऊंगी। तो भाई बोल रहा है उसने जब ये निश्चय किया, पैदल गई, बोल रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो चंगी हो गई। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मन में सवाल आएंगे कि क्या बोल रहे हैं क्या है, पर परमेश्वर का काम जो है ना वो अलग है, प्रभु अपना काम अलग करता है। उनका विश्वास प्रभु ने बढ़ाया, अगर आपको अनुभव चाहिए प्रभु आपको भी अलग तरीके से आपको अनुभव देकर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। दूसरी भाई ने गवाही बताई कि एक बहन थी जो हॉस्पिटल के अंदर बीमार थी, जो जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उनसे मिलने के लिए वहां पर गए। जब वहां पर मिलने के लिए गए तो वो बहन बीमार थी जिसके डॉक्टरों ने जवाब दिया था, इनको बेड पे पड़े हुए इनको फोर्स कर रही थी कि आप नाश्ता खाओ। तो ये भाई सोच रहे थे यार ये बीमार है, इतनी उसकी परिस्थिति खराब है और हमें नाश्ते के लिए फोर्स कर रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग नाश्ता खाएं और बेचारी वो बीमार है। उन्होंने कहा, मैंने उस बहन से कहा कि आप चिंता मत करो, भले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है पर आपको एक जवाब, आपको जिसने डॉक्टरों ने जवाब दिया है पर आपको प्रभु जवाब नहीं देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। बोला 3 साल मैंने पहले उसके लिए वहाँ पर प्रार्थना की, आज 3-4 दिन पहले उनका भाई मुझे मिला, उसने बोला वो बली चंगी है, प्रभु ने उसे चंगा रखा है, बोला इसके लिए मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। तो ताली बजाएंगे इन गवाहियों के लिए, प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। कर सकता है प्रभु? क्यों कर सकता है, कभी सोचा है? हम लोगों ने खुद अभी अपने मुख से कहा था कि हम लोग उसकी क्रिएशन है, वो हमसे प्यार करता है, और जिससे कोई प्यार करता है ना वो प्यार के अंदर कुछ भी कर सकता है। प्रभु को बोलो प्रभु तुम मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी बोलो प्रभु से, प्रभु आई लव यू जीसस, यीशु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु की ताली बजाकर महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर लक्ष्मी की 2 गवाहियाँ हैं, वो बता रही हैं कि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनकी जो है आफ्टरनून शिफ्ट थी, जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट औरत वहाँ आई थी डिलीवरी के लिए, जो सुबह 10 बजे कोई और हॉस्पिटल में गए लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से वहाँ डिलीवरी नहीं हो पाई। उन्होंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया और वो बता रही है कि शाम को 6 बजे वो वहाँ आए थे प्रेयर के थ्रू, उनकी थोड़े ही देर में डिलीवरी हो गई, बहुत ही अच्छे से उन्हें हेल्दी बेबी हुआ। इस बात के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती हैं। और उनकी दूसरी गवाही है, उन्हें हेडेक था काफ़ी, उन्होंने इस विषय में भी प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। इन दोनों गवाहियों के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर उषा की 2 गवाहियाँ हैं, वो बता रही हैं कि वो बैंक अकाउंट खोलने बैंक में गए थे लेकिन जब फिंगरप्रिंट लगाना था तो वो नहीं लग रहा था किसी रीज़न से। काफ़ी टाइम हुआ लेकिन उन्हें लग रहा था कि बैंक अकाउंट खुल नहीं पाएगा, उन्होंने वहीं पे प्रभु को पुकारा और प्रभु से प्रार्थना की, और प्रेयर के बाद पता नहीं कैसे जो फिंगरप्रिंट नहीं डिटेक्ट हो रहा था वो खुद ही डिटेक्ट हुआ और उनका बैंक अकाउंट ओपन हो गया। उनकी दूसरी गवाही है, वो मच्छी बेचने का बिज़नेस करते हैं, वो वहां बैठे थे तो एक टैक्सी थी जो उनके पैर के ऊपर से चले गई, लेकिन वो बता रही है कि प्रभु के दूतों ने उनकी रक्षा की, उन्हें थोड़ी भी हानि नहीं हुई, वो सही सलामत है। इसलिए सारी महिमा सिस्टर प्रभु को देती हैं। दादा बता रहे हैं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। दादा को बैठे बैठे अपने मन में ख्याल आया कि अपने घर में से पैसे ले, तू घर से बाहर निकल। एक दुकान पे गया दादा पैसे लेकर, सुनना ध्यान से,
तो इनके बाजू में कोई एक विश्वासी परिवार है, वो किधर बाहर गया, उसके छोटे बच्चे उस घर में थे, तो इनके मन में आया कि बस कुछ सामान ले और उन छोटे बच्चों की जाके तू मदद कर, उनको हेल्प कर। तो दादा बोल रहे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैंने तो प्रभु की बात सुन के जब उनको हेल्प की, जब आ रहा था रास्ते पे मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे, मैंने उनको जो समझो दूध हेल्प में किया था, तो उसने मुझे उसके बदले में मैंने थोड़ा दूध हेल्प किया, उस बंदे ने मुझे 1 किलो दूध का पैकेट दे दिया। तो दादा बोले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। मैंने प्रभु की बात सुनकर कुछ थोड़ा किसी को हेल्प किया, पर परमेश्वर ने मुझे भरपूरी से रिटर्न दे दिया। बोल रहा है मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ममता सिस्टर की गवाही है, उनकी फैमिली आना चाहते थे गांव से, पर उनको टिकट नहीं मिल रही थी। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और उनको टिकट मिल गई, वो सेफली यहाँ पे घर पे आ चुके हैं। वो प्रभु को धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर मंजू की कुछ गवाहियाँ हैं, वो बता रही हैं कि वो जहाँ रह रहे थे रेंट पे, उन लैंडलॉर्ड ने उन्हें जो है घर खाली करने बोला, और सिस्टर बता रही हैं कि जैसे वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि इस स्थिति में कैसे वो शिफ्ट होंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उन्हें काफ़ी अच्छा घर मिला दूसरा। और जब वहाँ शिफ्ट हुए, उनकी दूसरी गवाही है कि वहाँ पर काफ़ी रेंट आता, काफ़ी लाइट का जो बिल है वो ज़्यादा आता था। उन्होंने उस विषय में भी प्रार्थना की, प्रभु के अनुग्रह से केवल 300 जो है इस बार बिल आया, प्रभु की महिमा के लिए वो बता रही हैं। और उनकी तीसरी गवाही है कि वो जैसे प्रेग्नेंट है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लोग उन्हें बोल रहे थे होने वाले हैं, उन्हें जो है सोनोग्राफी करने बोला। जैसे ही उन्होंने सोनोग्राफी की, वो बता रही हैं कि साथ में उनके जो बहनें रहती है विश्वासी, सबको प्रेयर के लिए बोला था उन्होंने, और वो सोनोग्राफी करने गए। सोनोग्राफी के थ्रू जो रिपोर्ट्स आई वो सारी नॉर्मल आई, बच्चा और वो दोनों हेल्दी है, डॉक्टर ने ये कहा। इस बात के लिए भी सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती है। उनकी एक और गवाही है, उनका जो बेटा है छोटा, उन्हें काफ़ी बुखार हो चुका था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, टैबलेट्स भी ली, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जब हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्रार्थना की इस विषय में, प्रभु ने उनके बेटे को भी चंगाई दी। इन सारी गवाहियों के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती है। हमारे भाई बता रहे हैं कि इनको और इनकी मम्मी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, जो डायबिटीज़ बहुत हाई हो गई थी। तो बोल रहा है मैंने इस विषय में प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी और मेरी मम्मी की डायबिटीज़ कंट्रोल के अंदर करवा दी। बोल रहा मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी गवाही, दादा भाई बता रहे हैं कि इनका कोई कोरियर के थ्रू पार्सल आया था, जिस कोरियर के थ्रू आया था उन्होंने इनको फ़ोन किया कि आके आप दोपहर के टाइम पर फ़ोन किया कि आके आप लेकर जाओ। तो भाई बोला कि मुझे वो कोरियर जो मुझे आने वाला था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर मुझे टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँ वहाँ से लेकर आऊँ। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई मैं इतना जल्दी नहीं आ सकता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा वेट कीजिए, मैं आऊँगा। तो बोला मेरे कारण वो, परमेश्वर ने उसके मन को बदला। रात को 9:30 बजे तक खाली मुझे कोरियर देने के लिए वो बैठा था, नहीं तो लोग क्या करते हैं अपना काम बंद करके चले जाते हैं नेक्स्ट डे पे आना। तो बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उसी दिन उसके मन को प्रभु ने चेंज किया, मुझे कोरियर मिल गया, मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। और तीसरी गवाही बता रहे हैं कि इन्होंने प्रभु के राज्य में, जैसे भाई ने गवाही दिया कि मैंने किसी की हेल्प की, मुझे प्रभु ने उससे भरकर लौटा दिया, भाई को प्रभु ने ये बात डाली कि इन्होंने प्रभु के राज्य में कुछ बोया, जिस दिन बोया उसी दिन इन्होंने क्या देखा कि इनको कुछ, इन्होंने वीसी बड़ी थी, पैसे की ज़रूरत थी जिसके दौरान इनको अपना लोन चुकता करना था। बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर कर्जदार नहीं रहता है, मेरे नाम पर ही चिट्ठी निकली, वीसी मुझे ही मिली। तो बोला मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरा लोन भी चुकता हो गया, मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर दीपाली की गवाही है, वो बता रही है कि उनके बेटे को जो है काफ़ी बुखार हुआ था, और उसके अलावा भी डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि ब्लड रिपोर्ट्स भी निकालने पड़ेंगे। उन्हें जॉब से जो है छुट्टी नहीं मिल रही थी, उस विषय में उनकी नाइट शिफ्ट थी। सिस्टर ने प्रभु से प्रार्थना की इस विषय में, और वो बता रही है बिना कोई रिपोर्ट्स, बिना कोई मेडिसिन के प्रभु ने उन्हें चंगाई दे दी। इस बात के लिए वो सारी महिमा प्रभु को देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। राधा सिस्टर की गवाही है, जब वो 5 नंबर चर्च में जा रहे थे तो ऑटो रिक्शा वाले के सामने से वो कार आ रही थी, पर वो
जो ऑटो था वो पलट खाने वाला था, पर परमेश्वर ने उनको बचाया, उनकी स्वर्गदूत ने उनकी रक्षा की, उनको खरोच तक नहीं आई, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनकी दूसरी गवाही है कि काफ़ी सालों से उसकी जो नेबर है उनको धमकियां देती थी कि उनका घर तोड़ने के लिए, पर वो रोती रहती थी और उनसे डरती थी, पर उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, पर उनका घर नहीं वो उन्होंने लिया, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर मनीषा जो यहाँ से जा रही है उनकी गवाही है, वो बता रही है कि थर्सडे को उनकी काफ़ी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, उन्हें काफ़ी लूज़ मोशंस थे, वो नहीं रुक पा रहे थे बिल्कुल। सिस्टर बता रही है फ्राइडे को भी वो वैसी ही थी, उन्हें यहाँ आना था कलिसिया में लेकिन मॉर्निंग के प्रेयर में वो नहीं आ पाए। शाम को जैसे प्रभु बोझ था उन्होंने इस विषय में प्रार्थना की और प्रभु की ओर से उन्हें ये वचन मिला कि 12 वर्ष से यदि वो स्त्री को जो लहू बह रहा था उसे यदि मैं चंगाई दे सकता हूँ तो जे भी ज़रूर दूंगा। वो इस विश्वास को रखकर कलिसिया में आए और वो बता रहे हैं कि प्रभु के अनुग्रह से वो जब यहाँ आए प्रभु ने उन्हें पूर्ण चंगाई दी, वो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु बोझ भी ले पाए। इस बात के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती हैं। हालेलुया हालेलुया। भाई प्रभु की महिमा के लिए गवाही बता रहे हैं कि एक संसारी पंडित जो संसार के लोगों के लिए पाठ पूजा करते हैं उनको टीबी, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे को टीबी है जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आएगा। तो ये भाई उनसे मिलने गए क्योंकि मित्र हैं, नेचुरली कहीं पर रहते हैं तो कोई भले कोई भी संसारी हो तो मित्र होते हैं। इन्होंने पंडित जी को प्रभु यीशु के बारे में बताया, उन्होंने कहा प्रार्थना करो, इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु को महिमा देते हैं। 8 दिन बाद जब ये गए तो डॉक्टर उनको चेकअप करने के लिए आया, ये टीबी नहीं था। हालेलुया। फिर उसको थोड़ा बता बोला निमोनिया है पर वो भी बिल्कुल माइनर है, कुछ ही गोलियों से आप ठीक हो जाओगे। और प्रभु की महिमा के लिए बता रहे हैं, अब वो बिल्कुल खुश है, वो बंदा जो पुजारी है प्रभु की महिमा कर रहा है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। हमारे भाई गवाही बता के गए कि सुनना ध्यान से, इनको गाड़ी चलाते हैं तो भाड़े पर गाड़ी लिया था, दूसरे से गाड़ी लेते हैं और वो गाड़ी चलाते हैं, जो भाड़ा मिलता है अपना काम काज करते हैं। तो जब भी जिससे गाड़ी लेते हैं ना, तो इनको क्या था, जब भी गाड़ी लेते थे ना वो, तो हमेशा नोट करते थे गाड़ी के अंदर किसी किसी देवी देवताओं के फ़ोटो लगे रहते थे। जिस धनी की गाड़ी लगी उन्होंने उनसे गाड़ी ली गाड़ी चलाने के लिए, तो जो भी गाड़ी लेते थे ना तो देवी देवताओं के फ़ोटो लगे रहते थे। तो ये सोचते थे यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में अगर कोई बैठेगा, अगर मैं उसको सुसमाचार बताऊँगा तो बोलेगा यार तू प्रभु के बारे में बता रहा है और देवी देवताओं की फोटो लगा कर तू गाड़ी चला रहा है। तो उनको मन में सवाल आते थे कि भाई लोग क्या सोचेंगे। तो उनको क्या मन में था कि मुझे कोई ऐसा गाड़ी मिले जो किसी विश्वासी का गाड़ी हो। तो भाई बोल रहा है मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने जिससे पहले गाड़ी ली थी उसको गाड़ी रिटर्न दे दी, भाई मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए मैं गाँव जा रहा हूँ। तो जब बोल रहा मैं गाँव जा रहा था तो रास्ते पर ही मुझे किसी ने फोन किया, किसी विश्वासी ने, भाई मेरे पास गाड़ी पड़ी है आप गाड़ी आप चलाओ। बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया, विश्वासी के द्वारा मुझे गाड़ी मिली और उस गाड़ी के ऊपर प्रभु के वचन लिखे हुए थे। बोला उसके द्वारा मुझे मौका मिल गया, जब कोई पढ़ता था कि ये वचन क्या लिखा हुआ है, बोला मैं लोगों को जब वो पूछते थे क्या लिखा है, मुझे मौका मिलता था कि मैं उसे यीशु मसीह के बारे में बताऊँ। तो बोले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे गाड़ी मिल गई। सुनिएगा, गाड़ी तो मिल गई। भाई बोल रहे हैं उसके बाद गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, गर्दी के अंदर ब्रेक फेल हो गई। बोलता है प्रभु ने, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, पैसेंजर जो बैठे हुए थे परमेश्वर ने कैसे संभाला, एक्सीडेंट होने से बचाया, उन पैसेंजर्स को मैंने दूसरी रिक्शा में बिठाया, परमेश्वर ने हानि होने से रोक दिया। बोल रहा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सुना प्रभु ने मिरेकल किया। बोल रहा ठीक है चलो, ब्रेक तो फेल हो गई, प्रभु ने बचाया तो सही, पर उस दिन फ्राइडे का दिन था, अभी मुझे गाड़ी भी बनानी है और फ्राइडे के दिन सब गैरेज वाले बंद रहते हैं। बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, एक बंदा मुझे खुला हुआ मिला, उसके द्वारा मेरी ब्रेक भी बन गई,
सब कुछ ठीक हो गया, मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में प्रभु ध्यान देता है। आप अकेले नहीं हो, आप ऐसे मत सोचो कि आपके साथ कोई नहीं है, परमेश्वर हर पल आपके साथ में खड़ा है। ताली बजा कर प्रभु की महिमा करो। हालेलुया भाई, बता रहे हैं। लास्ट गवाहियां सुनेंगे, अगर बहनें अगर हैं तो एक दो गवाही वो सुनकर टाइम हो गया है, वचन में जाएंगे हम लोग। भाई बता रहे हैं, एक इनके मित्र थे जिनके पेट बहुत सूजता जा रहा था, तो ये उनके गए पास गए मिलने के लिए, बोला क्या बात है। तो उन्होंने उल्टा इनको कुछ बोला, तू अपना शक्ल देख, तू मेरे को क्या देख रहा है। बोला तो मेरी ओर ध्यान नहीं दो, आप बताओ क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया मेरे को गैस प्रॉब्लम है, पेट बढ़ता जा रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पेट पे हाथ रख के प्रार्थना की और प्रभु के लिए महिमा के लिए बता रहे हैं कि लगभग एक दो दिन में वो सारी गैस का प्रॉब्लम निकल गया, वो भाई डिस्चार्ज हो गए, अच्छे से घर में चले गए। इसलिए सारी महिमा प्रभु को दे रहे हैं। और इनके साले साहब हैं, उनको डॉक्टर ने बताया था पीछे में गांठ है और पीछे बैक में भी है, आपको 2 लाख का खर्चा आएगा। तो वो इनके साले साहब भी इनके ऊपर थोड़ा नाराज़ थे, तो वो इन्होंने बोला भले आप नाराज़ रहो पर आप तकलीफ़ बताओ क्या है। उनके साले साहब ने तकलीफ़ बताई, इन्होंने प्रार्थना की, 8 दिन बाद इनके साले साहब मिले, बोला सिर्फ उनको बीपी हाई है, बाकी और कुछ नहीं है। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक किया, कोई उनका ऑपरेशन या 2 लाख का खर्चा नहीं आएगा। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अनीता की 2 गवाहियाँ हैं, वो बता रही हैं कि उन्हें काफ़ी सर में पेट में दर्द था काफ़ी, और वो 1 हफ्ते तक था, उन्होंने टैबलेट्स ली लेकिन वो दर्द वो समय पे जाता था लेकिन फिर से हो रहा था। उन्होंने सिस्टर्स को बताया इस विषय में, सबने मिलके प्रार्थना की। वो बता रही है कि जैसे प्रार्थना हुई अभी तक उन्हें फिर से वो पेट दर्द नहीं हुआ, प्रभु ने उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे दी। उनकी दूसरी गवाही है उनके भाई के बेटे के विषय, जिसे काफ़ी बुखार था, पति पत्नी ने मिलकर जब उनके लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे भी चंगाई दी। दोनों गवाहियों के लिए सिस्टर सारी महिमा प्रभु को देती हैं। हमारे भाई दिलीप ने गवाही बताया कि इनके दिलीप भाई को सब पहचानते हैं, सबको पता है ना उनकी पहले पोजीशन क्या थी, अब पोजीशन क्या है, हम सबको पता है ना। गवाही सुनिए सबों में, सबों को पता है हमारे भाई दिलीप को, पहचानते हो ना आप। इनका बेटा वेस्ट अफ्रीका में जॉब करता है, अच्छी पोस्ट के ऊपर है। बोला है यहाँ पर आया था, प्रभु ने सुरक्षित उसको वहाँ पर पहुँचाया। प्रभु को महिमा देते हैं। बोल रहा है परमेश्वर ने इतना उन्हें ब्लेस किया है, इस वक्त उसके बेटे को एक अच्छी पोजीशन दी है। पहले लायक नहीं थे, कुछ था नहीं, सब गंवा दिया था, अब उसकी पोजीशन ऐसे कर दी है प्रभु ने। बोल रहा है ऐसे जहाँ पर काम करता है ना वेस्ट अफ्रीका में, जिस बॉस के पास काम करता है, बोल रहा है मेरा बेटा खाली 12 पढ़ा हुआ है, 12th पढ़ा हुआ है, ऐसी पोजीशन है, अच्छे मैनेजर की उसको पोस्ट मिली है, अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करने के लिए उसे चूज़ किया गया है, बड़े बड़े लोगों के साथ में जो कुछ भी व्यवहार करना है, लेन देन करनी है, कुछ भी करना है, इसके बेटे को सिलेक्ट कर दिया है। अभी दुबई उसके बेटे को भेजा जा रहा है कि जाकर तू वहाँ पर डील करके आ। बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, लायक नहीं था, आज प्रभु ने सब कुछ दिया है, मेरे बेटे की पोजीशन प्रभु ने बढ़ाई है, मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। वेस्ट अफ्रीका से दुबई भेजने के लिए इनके बेटे को चूज कर दिया, भाई जाके तू काम करके आ। किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। 12th पढ़ा हुआ बच्चा आज प्रभु ने उसे इतनी अच्छी पोजीशन पे लाया है। तो प्रभु कहता है जिस पर मैं अपनी करुणा करना चाहूँ सो करूँ, प्रभु दे देता है। बेटा तू ले, तेरे लिए रखा है। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है रिसीव कीजिए, बोलो हाँ प्रभु मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, प्रभु मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, भले मैं लायक नहीं हूँ प्रभु आप मुझे लायक बना दियो। कल मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे मेरे सामने एक वचन आया, बड़ी सभा के सामने मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन। रिसीव कीजिए अपने लिए, बोलो प्रभु ये वचन मेरे से लागू होने वाला है, ये वचन मेरे से लागू होने वाला है। आइए गवाही सुनेंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे। लास्ट राजू प्रताप प्रजापति बता रहे हैं 3-4 महीने ही हुए हैं प्रभु में आने में, विश्वास देखिए कि घर से निकले, मोबाइल घर में रह गया, घर खुला छोड़ के चले गए, लॉक नहीं किया, इनकी पत्नी भी बाहर थी, तो फिर जेब में देखा अचानक से मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने बाजू दूसरे के फ़ोन से इनके वाइफ को फ़ोन किया, बोला घर में देखो मोबाइल है क्या, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं घर में भी नहीं है, क्योंकि मैं बाहर चली आई हूँ। तो उन्होंने वाइफ को गुस्सा किया, भाई तुम घर दरवाज़ा खोल के ऐसा कैसा बाहर चले आइए, कोई ना कुछ पर्स बस मोबाइल लेके गया होगा। पर भाई ने रिपेंट किया, प्रभु से भूल सुधार की प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के आया, हमारे से कोई गलती हुई है। प्रार्थना की, छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु हमारा जो खो गया है मोबाइल कहाँ है वो सही सलामत मिल जाए।
प्रभु की महिमा के लिए बता रहे हैं, घर पहुंचे मोबाइल वहीं घर पर ही था। तो प्रभु हमारी एक एक चीज़ की रक्षा करता है। आप भी विश्वास से प्रार्थना करेंगे ना, जो गुम होने से पहले ही वहाँ सुरक्षित होएगा। हालेलुया, प्रभु आपका आशीर्वाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर मुस्कान की गवाही है, वो बता रही हैं कि उन्हें कलिसिया आना होता है, लेकिन उनकी कभी कभी मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, लेकिन प्रभु उन्हें अपनी सुरक्षा में लेके आते हैं। उनकी ये गवाहियाँ हैं कि कुछ दिन पहले जब वो कलिसिया के लिए निकले, तो जब वो सीढ़ियों पे थे अपने बिल्डिंग के, तो एक बैग की उनकी जो स्ट्रिप थी वो उनके पैर में अटक गई और वो गिर कर बहुत ज़ोर से उन्हें लगने वाला था, लेकिन प्रभु ने वो स्ट्रिप को तोड़ दिया और सिस्टर की कुछ भी हानि नहीं हुई। उनकी दूसरी गवाही है, एक और दिन ऐसे हुआ जब वो आ रहे थे और कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम चालू था रास्ते पे। सिस्टर बता रही है बड़ा एक पत्थर जो है वो साइड से ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन उन्हें हानि नहीं हुई, उनके एकदम एक इंच दूर गिरकर वो नीचे गिरा। सिस्टर ये बात के लिए प्रभु को महिमा देती है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। लास्ट गवाही सुनेंगे हम लोग, बहुत ज़बरदस्त गवाही है। सच्ची परमेश्वर बहुत भला है। हमारे भाई बता रहे थे मैं किसी काम से संतू बिल्डिंग उला स्टेशन पे है ना, हमें मालूम है ना, वहाँ पर गाड़ी लेकर गए थे। जैसे गाड़ी खड़ा की तो किसी कारण गाड़ी तो वहाँ पर लेकर गए, पैदल वापस आ गए। किसके कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, गाड़ी छोड़कर कुछ काम पड़ गया चले आते हैं पैदल, या कोई मिल गया उसके साथ वापस चले आते हैं। हुआ है नहीं हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। पर भाई बोला जब मैं थोड़े टाइम के बाद आधे पौने घंटे के बाद जब वहाँ पे गया, जब देखा तो मेरी गाड़ी नहीं थी। बोला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बहुत ढूंढा नहीं मिली। छः दिन के बाद परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, कंवराम पुतले पे मुझे मेरी गाड़ी मिली। माने बोला जितना पेट्रोल मेरे गाड़ी के अंदर पहले था ना, उतना ही पेट्रोल उस गाड़ी के अंदर था। जिस कंडीशन में मेरी गाड़ी घूम हुई थी सेम उसी कंडीशन में गाड़ी थी, पर खाली एक ही बात थी उस गाड़ी के ऊपर थी, उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई थी। तो कुछ तो भाई भी तो मेहनत करेगा ना, सफा तो करेगा ना। परमेश्वर ने क्या किया, गाड़ी को संभाला, क्लीन करने का मौका कैसे मिला, भाई को मिला, भाई ने क्लीन करके गाड़ी चलाई। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसमें से हमें खाली एक सीखने की बात हमें मिलती है कि प्रभु तो हमें हमारी हर एक चीज़ को संभालता है, पर जो धूल चढ़ी है ना हमारे ऊपर, हमें उसको उतारना है। आमीन। धूल चढ़ी हुई है हमारे ऊपर कि नहीं चढ़ी हुई है? तो हमें उतारना है। आज प्रभु वचन बेचकर हमारे जीवन से उस धूल को निकालना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं वो धूल उतर जाए आज? तो प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? जब सुनेंगे तो प्रभु एक कपड़े के समान उस वचन को इस्तेमाल करके उस धूल को हमारे ऊपर से मिटाएगा। हमें खाली क्या करना है, सुनना है। तो आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए कि प्रभु आज आपका वचन मुझे चेंज करे और उस वचन को सुनकर मेरे ऊपर से सारी धूल उतर जाए। कहने के लिए तैयार हैं प्रभु से? कहेंगे? आइए मेरे पीछे बोलिए, अपनी आँखें बंद कीजिए, एक छोटी सी दुआ करेंगे और प्रभु के वचन को हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, आज जो भी धूल जो भी मट्टी हमारे ऊपर है प्रभु, जो हमें नहीं दिखती, जो आप चाहते हो हमारे ऊपर से हट जाए, आज अपना वचन बेचकर आपकी बातें सुनाकर प्रभु हमें जगाइए। प्रभु उस धूल को झड़ने के लिए, हटाने के लिए प्रभु आज हम आपसे सामर्थ मांगते हैं। अपने वचन के द्वारा हमें समझ दे ताकि आज वो धूल अपने ऊपर से हम हटाकर आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हों, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु के नाम से आमीन। आइए तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के दास पास्टर सनी का जोरदार की ताली स्वागत करेंगे। आज परमेश्वर अपने वचन को बेचकर हर एक धूल से हमें मुक्त करने वाला है। आमीन। बोलो आज मैं छुटकारा पाने वाला हूं। ताली तो बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं?
जीवित परमेश्वर को जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे जिसने हमें ज़िंदा रखा, सही सलामत रखा है और हर एक वो चीज़ दी है। हालेलुया। मैं बहनों और भाइयों से निवेदन करूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। हालेलुया। और भी लोग आएंगे, जल्दी से आगे आ जाए। हालेलुया। मैं चाहूँगा सबसे पहले बाजू वाली बहन, बाजू वाले भाई से कहें, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज प्रभु अपने वचन से तुझसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने अच्छी से प्रार्थना की। हालेलुया। आज लगभग मैं ऐसे ना खाली बनकर आया हूँ, खाली। हालेलुया। जब मैं सुबह उठा तो एक वचन मेरे पास आया, जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, उसी वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो वचन आया तो वो मेरे लिए था, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, वो मेरे लिए था। हालेलुया। और काफ़ी सारी बातें, जब मैं फ्रेश हो रहा था, ब्रश कर रहा था, बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, काफ़ी माइंड में बातें चल रही थी, काफ़ी लोगों की पिक्चर्स आ रही थी, अपनी लाइफ आ रही थी। हालेलुया। परमेश्वर कुछ आज नया करने जा रहे हैं। और ये जो बोला ना सफाई, धूल मिट्टी, आज वो ज़रूर छटेंगी। आमेन, पक्का, इसी पे ही है पास्टर, सच में। और ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है, जब वो करता है तो अपनी बात को कंफर्म भी करता है। हालेलुया। मेरी पास्टर से बात नहीं हुई कुछ, किस विषय में क्या है करके, और मेरा आज यहाँ पे खड़ा होना भी प्रभु की योजना है। कल तक रात तक पता नहीं था मैं यहाँ पे आज सेवा करूँगा। हालेलुया। आज है ना खाली होना है, अपने आप को बोलो मुझे खाली होना है। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कुछ लोगों को तोड़ेगा और कुछ को जोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। समझ रहे हो? आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कुछ लोगों को तोड़ेगा और कुछ को जोड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर यहाँ पे कार्य करेगा। मैं चाहूँगा यहूना 3:16 एक बार पढ़ लें। एज नंबर 1:3-3। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। मैंने अपनी डायरी में जब लिखा था, ज़्यादा वचन या कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, और मैं चाहूँगा एक बहन आगे पढ़ ले, मैंने ऊपर ऊपर क्या लिखा है सब्जेक्ट में। पवित्र आत्मा आज कार्य करेगा, वह तोड़ेगा और जोड़ेगा भी। आमेन। जो कठोर है और डीट है प्रभु उसे तोड़ेगा, और जो टूटे हुए हैं प्रभु उसे जोड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो वचन में जाने से पहले, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, प्रभु का दास होने का मुझे जो आदर मिलता है, मैं आज अपने लाइफ के कुछ कन्फेशंस को आपके सामने करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब सेवा हो तो शुद्ध मन से हो, अच्छे से हो करके। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, काफ़ी लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। और इन 3 सालों के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, अब हम लोग मार्च में जाएंगे तो 3 साल कंप्लीट होंगे, इस 3 साल में मैं प्रभु से काफ़ी दूर हुआ हूँ। सेवा बहुत की है मैंने, सेवा जितना मेरा स्तर लॉकडाउन से पहले मैंने नहीं की, लॉकडाउन के बाद मैंने काफ़ी की है सेवा। काफ़ी सारी बातों में रहा हूँ, काफ़ी भलाई के कामों में प्रभु ने इस्तेमाल किया है करके, पर जो प्रभु मुझसे चाहता था व्यक्तिगत तौर पे कि मैं उसके उपस्थिति में समय बिताऊँ, प्रार्थना में समय बिताऊँ, वचन में समय बिताऊँ, वो मुझसे नहीं हुआ है, वो मुझसे नहीं हुआ है। उस दौरान भी प्रभु मुझे इस्तेमाल करता, क्योंकि ये कलीसिया के ऊपर अनुग्रह जो हम सीखते हैं वो हमारे अंदर भरता जाता है, और परमेश्वर हमें जब खड़ा करता है तो उसकी आत्मा बात करती है। तो उसमें मेरी अच्छाई नहीं कि मेरी कुछ विजडम थी या मैं अपनी ताकत से कर रहा था, पर मैं काफ़ी चीज़ों में जो परमेश्वर की दृष्टि में सही होनी चाहिए मैंने उस रीति से नहीं की है। तो उस बात की वजह से मैं परमेश्वर से, पास्टर जी से और कलीसिया से क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़ के। काफ़ी जगहों पर हो सकता है इन सालों के दौरान, सिर्फ ये लॉकडाउन नहीं, उसके पहले भी हो सकता है, मेरे अपने या मेरे पढ़ाए
जिनको मैं जानता नहीं था, मेरे किसी काम की वजह से, मेरे किसी शब्दों की वजह से या मेरे ऐसी किसी बात की वजह से आपको ठेस लगी है, चोट पहुंची है, दुख हुआ है, तो पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे परिवार वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है हम कलीसिया में वेदी पे खड़े रहते हैं तो हमारी पिक्चर बहुत अच्छी होती है कि बहुत अच्छा होगा, स्वर्गदूत के समान एकदम परफेक्ट, है ना, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरी फैमिली भी मेरे बात करने के तरीके से हर्ट हुई है, उसमें मेरी मम्मी भी शामिल है, मेरी बहन भी शामिल है, मेरी पत्नी भी शामिल है, मेरी बेटी भी शामिल है। तो मैं आज उन बातों के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज साफ़ करना चाहता है, बनाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है तोड़ना चाहता है। परमेश्वर चाहे ना एक क्षण में हम सब की पिक्चर यहाँ पे ओपन दिखाई दे सकती है कि हम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, हम क्या बोले थे, और हम उसके सामने एक क्षण भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। आप मेरा प्रचार सुनो, तालियां बजाओ, वाहवाही करो, हो जाएगा, पर क्या उस खड़े रहने से, मेरे उस सेवा करने से परमेश्वर को महिमा मिली? क्या परमेश्वर ने खुश होकर मेरी पीठ थपथपाई कि आज बेटे मैं तेरी सेवा से खुश हूँ? शायद वो नहीं हो रहा था इन सालों में मेरे ज़िंदगी से। उस बात के लिए मैं तहे दिल से आज कलीसिया के सामने अपने सीनियर पास्टर्स, एल्डर्स, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया, मैं चाहता हूँ आज के बाद मेरा यहाँ पे खड़ा होना केवल प्रभु की इच्छा से हो, मेरे मुख से, मेरे जीवन से जो कुछ बात हो प्रभु की इच्छा से हो और प्रभु की महिमा के लिए हो, और ये हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की ये अपेक्षा है। हालेलुया, आज यहाँ पे जो कुछ होगा, जो भी वचन होंगे, क्या टॉपिक होंगे, वो सिर्फ पवित्र आत्मा लीड करेगा। आज कुछ अद्भुत होगा, यहाँ पे बंधन टूटेंगे, दुष्टात्माएँ निकलेंगी, लोग छुटकारा पाएंगे, बीमारियाँ ट्यूमर्स जाएंगे, क्योंकि वो हमारे हठ की वजह से, हमारी जिद की वजह से आज तक हमारे जीवन में बने पड़े हैं। परमेश्वर वो तोड़ेगा, वो निकालेगा, और परमेश्वर शुद्ध करेगा। परमेश्वर ने पता नहीं मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें डाली, मैं सोच रहा था क्या प्रभु ये हो सकता है कलीसियाओं के अंदर, क्या ये विश्वास ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में की हैं गलतियां, तो मैं उन चीज़ों को अपने जीवन से लागू कर रहा था कि हाँ प्रभु, मैंने विश्वास ही होके, मैंने सेवा में होके हाँ ये गलतियां की हैं। देर आर सो मैनी सीक्रेट सिंस आज बिलीवर्स कर रहे हैं, गुप्त पाप आज विश्वासी कर रहे हैं। कलीसिया में होकर, बपतिस्मा पाकर प्रभु ने उन गुप्त पापों को देखा है। प्रभु आज अपनी आत्मा से वो उजागर करेगा, जो ये सहन नहीं कर पाते पा रहे हैं, जो डीठ हैं, मैं विश्वास करता हूँ खड़े भी नहीं रह पाएंगे, उठ के चले जाएंगे बीच में से, पर जो सीधे रहेंगे परमेश्वर उन्हें बनाएगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो माफ़ करता है, प्रेमी भी है, पर अगर जो नहीं सुधरा उसके वचन से, परमेश्वर आज अपना हाथ उठाएगा मारने के लिए। परमेश्वर अपना हाथ उठाएगा मारने के लिए अगर नहीं सुधरे तो, और ये मेरे जीवन पे भी लागू है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पसीने भी आ रहे हैं ऐसा बोलते हुए, क्योंकि ये जो वचन मैं बोल रहा हूँ मुझ पे भी लागू होगा। आमीन। तो जब हम कड़ाई से बोलते हैं कि प्रभु नहीं नहीं मुझ पे नहीं आना चाहिए, हम बोलते हैं ना बाबा ना, पर फिर मैं उस सेवा को ना करूँ जो परमेश्वर आज करना चाहता है, ऐसा बात यहाँ पर नहीं होगा। इवन जो ऑनलाइन पे सुन रहे हैं या फ्यूचर में इस लिंक को ओपन करेंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, परमेश्वर उस समय भी इस वचन के द्वारा, जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य करना चाह रहा है, अपनी इच्छा को पूरा करेगा। मैं क्या बोलूँगा, वो तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कलीसिया में सिर्फ गलत ही चल रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है उनसे। शायद उस बात की वजह से कलीसियाएँ, वो परिवार, वो रिश्ते बने पड़े आज तक उन लोगों की वजह से जो सच्चाई, ईमानदारी से उसके वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य करें। इस वजह से वो कलीसियाएँ, वो सेविकाइयाँ, वो परिवार बने पड़े हैं। और काफ़ी चीज़ें परमेश्वर उजागर करना चाहता है। अब वो लोग कैसे, जब मैं कुरंथियों की पत्री पढ़ रहा था
तो कुरंदियों की फर्स्ट कुरंदियों में आप जब जाओगे ना तो कलीसिया के अंदर इतनी खराबियां हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा कलीसिया कर रही है क्या, ऐसे विश्वास ही कर रहे हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग कर रहे हैं, सेवक कर रहे हैं ऐसे काम, समझ रहे हो? अपनी सौतेली माँ के साथ किसी का रिश्ता था कलीसिया के अंदर, कुरंथियों के अंदर लिखा हुआ है, उनके अंदर फूट थी सेवा करते हुए। कोई बोलता था मैं पौलुस को मानता हूँ, कोई बोलता था मैं अपोलुस को मानता हूँ, व्यभिचार था, मूर्ति पूजा थी, समझ रहे हो? और वो अपने आप में झगड़ा करते थे ना, तो एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते थे, अगुओं से नहीं पूछते थे, सीधा अदालत में लेके जाता थे, विधवाओं और नाथों को पीसा जा रहा था वहाँ पे कलीसिया के अंदर। पौलुस ने उन बातों को लेकर उजागर किया, आज उससे कई सारी बातें आज हमारे जीवन में हो रही हैं जो परमेश्वर यहाँ पे उजागर करेगा जब आएगी। आप जानते हो कि आप उस काम को कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता वो क्या मेरे मुख से बातें निकलेंगी, क्या पवित्र आत्मा यहाँ पे उजागर करेगा, किसकी पर्सनल लाइफ होगी, किसी का फैमिली जीवन होगा, मैं किसी का नहीं जानता, कि फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता। पर आज प्रभु जब वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी ना, तो मैं सोच रहा था आज जब मैं बोलूँगा तो शायद मैं किसी का दुश्मन भी बन जाऊँ कि यार ये मेरे लिए ही बोल रहा है, या सनी को इस मेरे बारे में पता है, ये मेरे लिए बोल रहा है, ये मेरे पे पॉइंट आउट कर रहा है। मैं सीरियसली नहीं जानता वो बातें क्या है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को प्रभु ने देखा है। आज वो आपके सामने बातें आएंगी, आज अगर आपने सिधाई से ग्रहण किया नहीं तो एक समय आएगा वो पूरा प्रोजेक्टर पे चलेगा, समझ रहे हो? वो पूरा प्रोजेक्टर पे चलेगा। परमेश्वर बात को उजागर करना जानता है, ये परमेश्वर का हमारे प्रति प्यार है कि आज तक उसने हमें अपने नाम में विश्वास में बनाए रखा है, आज तक हम नाश नहीं हुए हैं, आज हमारे पास पश्चाताप का मौका है। और परमेश्वर इतना दयालु है कि अगर हम सब गवाह भी लेते हैं फिर भी वो हमें बेटे होने का हक देता है, बेटी होने का हक देता है, ऐसा उसका हृदय है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के 3 बार इनकार करने के बाद भी उसको स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, उसका हृदय हमारा है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है। आज मैं चाहता हूँ आप अपनी आँखें बंद करें, प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूँ खुली रीति से, प्रभु ने मेरी तो बातें जो मैंने किए हैं, जो मैंने सीक्रेट में किए हैं, वो सारे मेरे सामने उजागर हुए आज सुबह। मैं चाहता हूँ जो लोग घुटनों पे आना चाहते हैं घुटनों पे आ जाए, हमें परमेश्वर के सामने सीधा होकर उन बातों को करना है। Lord, we worship you. We praise your name, Lord. प्रभु हम तेरी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता। प्रभु हम आपसे छुप नहीं सकते पिता, हमारी कोई बात आपसे छुप नहीं सकती। प्रभु हमने जाने अनजाने काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे पिता। प्रभु जब हमारी कलीसिया हमारे साथ नहीं थी, हमारे संगी विश्वासी भाई बहन हमारे साथ नहीं थे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे वो सेविकाई में, प्रभु हमने ऐसी चीज़ों को किया जो आपको दुख देती थी पिता। और प्रभु हमने जब वो चीज़ें की तो हमारे मन में एक क्षण का भी पश्चाताप नहीं था पिता, वरन हमने उन चीज़ों को करके प्रभु अपनी बढ़ाई की पिता। हमें क्षमा कर प्रभु, हमारी डिठाई के लिए, हमारी कठोरता के लिए हमें क्षमा कर प्रभु। आज हमें तो बनाना, यहाँ पे जो कुछ हो तेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाए मेरे प्रभु। प्रभु किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, परंतु सब उसको सही मार्ग पे ले आने के लिए प्रभु, यहाँ पे जो कुछ हो तेरी मर्जी से हो पिता। वो वचन हो प्रभु, वो तेरी आत्मा की प्रभु एक बड़ी सामर्थ में आज यहाँ पे मांगता हूँ पिता, कि वो हमें इन बातों को सुनने की
सहने की प्रभु, और उसमें से ओवरकम होकर निकलने की ताकत दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना पिता, आज हम आपसे मुंह न मोड़े प्रभु, हम अपने आप को नम्र करें प्रभु। आज यहाँ पे आपका वचन पूरा हो पिता, और हम शुद्ध हो जाएं। तेरा वचन बेचकर तूने उस समय उनको पवित्र किया था, आज वैसा ही होने पाए मेरे पिता। प्रभु आज यहाँ पे बंधन टूटेंगे प्रभु, आज यहाँ पे छुटकारा होगा प्रभु, आज यहाँ पे प्रभु दुष्ट आत्माएं निकलेंगी प्रभु, आज यहाँ पे लोग गुप्त पापों से निकलेंगे प्रभु परमेश्वर, आज यहाँ पे लोग क्षमा पाएंगे प्रभु परमेश्वर, आज यहाँ पे लोग शुद्ध किए जाएंगे प्रभु परमेश्वर, आज यहाँ पे लोगों के आंसू पहुँचे जाएंगे प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर तू उनकी सुनेगा प्रभु, तू अपनी कलिसिया को बनाएगा प्रभु परमेश्वर, और उसे नया रूप देगा प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते अपने किए हुए गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। प्रभु मैं एक भी बात के लिए मुंह नहीं मोड़ता प्रभु, जो भी आज सुबह मेरे ऊपर प्रकट हुआ पिता, आज मैं उन बातों का अंगीकार करता हूँ कि प्रभु मैंने वो किए प्रभु, मुझे माफ़ कर दे प्रभु। प्रभु आज के बाद हमारे हमेशा के जीवन में प्रभु, चाहे हमारी व्यक्तिगत लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मिनिस्ट्री लाइफ हो पिता, केवल और केवल आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज के बाद डरते और कांपते हुए प्रभु तेरे आगमन तक प्रभु हम विश्वास में बने रहें पिता, पवित्रता में बने रहें, तेरे वचन में बने रहें, ऐसा अनुग्रह करना पिता। आज के बाद यहाँ पे मौजूद इस कलीसिया से जुड़े, इस नगर में जुड़े कोई भी विश्वासी पिता, किसी के भी जीवन में शैतान की योजना कार्य न करे पिता, प्रभु केवल और केवल आपका वचन, आपकी आत्मा और आपकी पवित्र इच्छाओं के जीवन में कार्य करें। एक बड़ी बेदारी प्रभु हम में से हर एक के जीवन में, परिवार में, कलीसिया के अंदर और इस नगर के अंदर आने पाए पिता। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन आमेन आमेन। मैं चाहूँगा एक क्षण के लिए, जब हमने ये प्रार्थना की है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के कार्यों को जानते हैं जो आपने बोले हैं किए हैं, एक क्षण आंखें बंद करके अपने जीवन को थोड़ा टटोलें, जो कुछ भी किया है, किसी भी कारण से किया है, सामने वाले ने आपको दुख दिया, सताया, आपका दुश्मन है ना, कुछ भी चीज़ हुई हो, आंखें बंद करें, उन चीज़ों को सोच लें, सोच लें, परमेश्वर वचन से, आत्मा से बात करेगा। आपको तय करना है, आपको उस बात का अंगीकार करना है या नहीं करना, आपको परमेश्वर से माफ़ी चाहिए या नहीं चाहिए, आप अपने बचे हुए विश्वासी जीवन को उसके वचन के अनुसार जीना चाहते हो या नहीं चाहते हो, सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में है। पवित्र आत्मा इस जगह पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, बल से उतरिए प्रभु, बल से छू लीजिए हर एक को, यहाँ पे पश्चाताप हो प्रभु, यहाँ पे प्रभु परमेश्वर लोग अंगीकार करें प्रभु, तेरे मार के भय से नहीं प्रभु, परंतु सच्चाई को जानते हुए प्रभु, उस प्रकोप से, उस आग से बचने के लिए प्रभु नहीं, परंतु सत्य को जानते हुए प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम अपनी गलतियों को मानते हुए प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे कहने से प्रभु, तू कंफर्टर है प्रभु, तू कभी दोष नहीं लगाता प्रभु, परंतु उन पापों को उजागर होने दे प्रभु,
एक भी जन एक भी किसी गलती को यहाँ से लेकर नहीं जाए, वरना आज संपूर्ण छुटकारा यहाँ से पाकर जाए प्रभु। और आज के बाद हर एक का जीवन तुझे प्रसन्न करने वाला हो प्रभु, और जब तेरी दृष्टि हम पर हो तो तू यही कहे कि तू मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है, मैं तुझसे खुश हूँ। प्रभु आज यहाँ पे बंधन टूटे प्रभु, तेरी अग्नि यहाँ पे उतरे प्रभु, ये स्थान हिल जाए प्रभु। मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु, तेरी भरपूरी से यहाँ पे उपस्थिति हो प्रभु परमेश्वर। अशुद्धताएं मिटाई जाए, बंधन तोड़े जाए, दुष्ट के कार्य मिटाए जाए प्रभु। जो चीज़ तेरी इच्छा से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में नहीं है प्रभु, वो मिठाई जाए, निखाली जाए प्रभु। जिस झूठ के अंदर, डर के अंदर, घमंड के अंदर प्रभु, अहंकार के अंदर, डिठाई के अंदर प्रभु परमेश्वर, पाखंड के अंदर लोगों का जीवन है प्रभु, आज उसमें से सबका छुटकारा हो प्रभु, सबका छुटकारा हो प्रभु। तूने हम में से हर एक के जीवन को तूने दिखा दिया प्रभु परमेश्वर, कि हमारा जीवन हमारी पत्नी से, हमारी माँ बाप से प्रभु, हमारी भाई बहन से, हमारे बच्चों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारी विश्वासी भाई बहनों से, अविश्वासी भाई बहनों से कैसा है प्रभु। हम अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपने बिजनेस में प्रभु, अपनी सेविकाई में कैसे चलते हैं, कैसी सोच रखते हैं प्रभु। हमारा मन तेरे प्रति कैसा है प्रभु, बाहर कैसा है, अंदर कैसा है प्रभु, लोगों के सामने कैसा है, जब हम गुप्त में अकेले होते हैं तब कैसा है प्रभु, तू जानता है प्रभु। आज हम अपने जीवन को जान दें प्रभु, आज प्रभु हम छुटकारा चाहते हैं प्रभु, आज हम तेरी दया को चाहते हैं प्रभु, आज हम तेरी क्षमा को चाहते हैं प्रभु, आज हम तेरी भलाई को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, आज हम इस बंधन से छुटकारा चाहते हैं प्रभु, इस श्राप से छुटकारा चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहते हैं प्रभु, उन प्रभु घड़ों से छुटकारा चाहते हैं जो दुष्ट ने हमारे जीवन में, परिवार में बना के रखे हैं प्रभु, हमारे रिश्तों में बना के रखे। आ तेरी दया हमारे जीवन में होने पाए बेटा, तेरी करुणा हो प्रभु, तू बातें करना पिता, प्रभु यीशु के नाम से। इब्रानियों 3:7-19 तक पढ़ेंगे, एक पोर्शन है। पेज नंबर 305। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, क्या कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। आगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। यहां पे फिर से बोलूंगा, 8वां वचन पढ़िए। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आगे, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस प्रभु के लोगों ने परमेश्वर को परखा था और 40 साल तक उसके काम भी देखे थे। आगे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हालेलुया। 10 में एक बात कह रही है परमेश्वर, 11 में कह रहा है कि मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, और 10 में एक बात कहते हैं, उनका मन सदा भटकता रहता है, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ये इसराइलियों की बात हो रही है। आज हम विश्वासी आत्मिक इसराइल के पद पे हैं, ये हमारे लिए बात हो रही है।
जब परमेश्वर ने उनको पाप के जीवन से मिस्र की गुलामी में से निकाला था तो उन्होंने कनान देश का वादा किया था कि तुम ऐसे देश में जाओगे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती रहेगी और जो तुम्हारा पोषण नहीं मैं तुम्हें दूंगा। समझ रहे हो, एक फ्लरिश देश उन्हें मिलने वाला था। 430 साल की गुलामी के बाद वो निकले थे, परमेश्वर ने उनका छुटकारा दिया था क्योंकि वो चिल्लाए थे और लिखा है उनकी चिल्लाहट प्रभु तक पहुँची थी और प्रभु ने मूसा को खड़ा किया कि उनका छुटकारा हो। और जंगल में, ये जंगल क्या है, ये जो संसार, हम जो विश्वासी जीवन में जब से उद्धार पाए हैं और जब हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, प्रभु के राज्य में पहुंचना है, उस तक का जो पोषण है, जो संसार में जो हम लोग जी रहे हैं, तो लिखा है उन्होंने, वो उनको टाइम लगा था 40 साल, 11 दिन का कुछ सफ़र था पर 40 साल उनको लगे। उन 40 सालों में उन्हीं विश्वासियों ने जिन्होंने छुटकारा पाया था मूसा के द्वारा, जो परमेश्वर के बच्चे से जिनको वादा मिला था तुम्हें ऐसा देश मिलेगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, यमुना 3:16 में लिखा है वे नाश न होंगे परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे, हमें भी वो प्रॉमिस मिला है। पर लिखा है हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना था पर 40 साल लगे और 40 सालों में परमेश्वर 40 साल तक उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाता रहा। उन्होंने कोई खेती नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना रोज सुबह उन्हें फ्रेश मिलता था। समझ रहे हो, पर उन 40 सालों में उन्होंने परमेश्वर के अच्छे अच्छे काम भी देखे, पर उसी 40 सालों के दौरान उन्हीं विश्वासियों ने परमेश्वर की परीक्षा की और उसे क्रोध दिलाया। समझ रहे हो, सुपरनेचुरल दी, उन्होंने नॉनवेज की डिमांड की वो भी पूरी हुई, कुछ खरीदना नहीं पड़ा, लिखा उनके न कपड़े फटे थे न जूते घिसे थे। पर लाल समुंदर में जब दुश्मन पीछे पड़े थे उनसे छुटकारा हुआ विद इन थ्री डेज बोल रहा हूँ, जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर हमें यहाँ पे मरने के लिए लेके आया है, इससे अच्छा हम अपनी गुलामी में सही थे, वहाँ खाने को तो मिलता था, वहाँ पे ये तो मिलता था, वहाँ पे कब्रें तो थी हमारे लिए गाड़ने के लिए, यहाँ हम जंगल में ढेर हो जाएंगे। समझ रहे हो, 3 दिन पहले उन्होंने अपने दुश्मनों का खात्मा अद्भुत रीति से होके देखा था कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया और उसमें से वो पार होकर निकले थे। एक बड़ी विपत्ति से परमेश्वर ने उन्हें बचाया था और एक प्रॉमिस किया था, जिन दुश्मनों का आज तुम फेस देख रहे हो उनका ज़िंदगी में कभी नहीं देखोगे, सारे मिस्री जो उनके पीछे आए थे सब मर गए थे। समझ रहे हो, और विद इन 3-4 डेज जब उनको आगे चल के पानी की किल्लत हुई, जब उन्हें जंगल में पानी नहीं मिला, उन्होंने परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, उन पर दोष लगाया और परमेश्वर ने डिमांड पूरी की पर परमेश्वर देखता आया। फिर 40 दिन परमेश्वर का दास मूसा जब पहाड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी इच्छा पूछने के बाद दशा क्या मिली, विदिन 40 दिन में वे परमेश्वर को भूल गए और उन्होंने एक मूर्ति को बना लिया और कहा ये बछड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र से निकाल के लाया है। परमेश्वर तभी क्रोधित हुआ। आगे चल के फिर से उन्होंने व्यभिचार भी किया और लिखा एक दिन के अंदर जहरीले सांपों ने 23,000 लोगों को मार दिया। व्यभिचार किया, व्यभिचार कैसा किया था, जिन जातियों के बीच में परमेश्वर उनको बोला था नाश कर लेना, वे वहाँ की लड़कियों को लेकर आए, वहाँ से उनके साथ शादी की, व्यभिचार किया, ये परमेश्वर के लोगों के काम है बोल रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर ने वहाँ पे अपना क्रोध दिखाया। आगे चल के वे और कुड़कुड़ाए, उन्होंने मूसा के विरुद्ध गलत बातें की, उसमें मूसा की बहन भी थी, उसका भाई भी था, परमेश्वर ने उनके विरुद्ध भी अपना हाथ उठाया। समझ रहे हो, परमेश्वर जिन लोगों को लेके आया था तुम मेरे ऐसे देश में जाओगे जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस समय जब उसने वादा किया था जो 20 साल या उसके ऊपर की उम्र के थे, जो 20 साल या उसकी ऊपर की उम्र के थे, और जब ये 40 साल लगा मीन्स वो 60 साल की उम्र तक पहुँचे मैक्सिमम और उसके ऊपर, और उनके बच्चे जो उनके 20 साल और कम की उम्र के जितना पोर्शन था, लिखा हुआ है जिनको प्रभु ने प्रॉमिस दिया था उसमें से 20 साल या उसके ऊपर की उम्र में से जो लोग थे केवल 2 लोग
उसका नाम देश में प्रवेश करने पाया। बाकी इन 40 सालों के अंदर ढेर हो गए क्योंकि उन्होंने ये गलतियां की थी। आज हमारा विश्वासी जीवन, हमने उद्धार पाया है, पापों से क्षमा पाई है, बपतिस्मा लिया है, सेवा भी कर रहे हैं। मूसा की बहन भी सेवा करती थी, हारून भी सेवा करता था, सेवक होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु के दास के विरुद्ध बुरा भला बोला था। और लिखा है मूसा की बहन के ऊपर कोड़ आ गया, और ये मूसा को पता नहीं था कि मूसा की बहन उसके लिए उल्टा बोल रही है, हारून उसके लिए उल्टा बोल रहा है। परमेश्वर ने जब उस बात को जाना ना कि मरियम उसकी बहन ऐसा उल्टा बोल रही है, बोला मेरे तंबू के सामने आ जाना, आज मुझे तुमसे बातें करनी है। बोला तुमने मेरे दास के विरुद्ध बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा। देखा उसी क्षण उसके ऊपर कोड़ आ गया, वो एकदम वाइट हो गई, और 7 दिन तक इज़राइल वहाँ पे रुका रहा। जब पश्चाताप किया, बोला 7 दिन के बाद तेरा कोर उतरेगा, उसके बाद इज़राइल यहाँ से प्रस्थान करेगा। मैं इन चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ, एक जने ने गलती की थी और पूरी मंडली को रुकना पड़ा था, समझ रहे हो। चीज़ों की गंभीरता शायद मुझे भी इतना सिंसियर, भले हम सेवा कर रहे हैं या मैं सेवा कर रहा हूँ, कई बार है ना, हम काफ़ी सारी चीज़ों की गंभीरता को समझते नहीं हैं। हम पिछले कुछ समय से, नए साल में जब से आए हैं, आशीषों का साल होगा, अनुग्रह का साल होगा, ये पास्टर जी से हम लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं। अनुग्रहकारी है डेफिनेटली, वो सारे वादे पूरे होंगे, हमें आशीषें मिलेंगी, हमें परमेश्वर का और अनुग्रह दिया जाएगा, बशर्ते हम परमेश्वर के योग्य चलेंगे। तो अनुग्रह केवल उसी पर ही होगा, पर अनुग्रह का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर पाप करते रहें और सब क्षमा होता जाएगा। परमेश्वर इस बात की गंभीरता को हमें बताना चाहता है, समझ रहे हो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे परमेश्वर किसी को तोड़ेगा और जोड़ेगा भी। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े रहे हैं, उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वे डटे रहे, परमेश्वर उनका प्रोत्साहन करने वाला, उन्हें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे जो बातें होने वाली है हमारे जीवन से लागू हैं। ये उदाहरण इब्रानियों का आगे भी मैं बचाऊँगा, 11 तक पढ़ाना, ये 17 तक हम लोग ख़त्म कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हे भाइयों, भाइयों को संबोधित कर रहा है पौलुस, या लूका में से इस पत्री को किसी ने लिखा है हे भाइयों, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा या अविश्वासी मन, भाई अभी विश्वासी है तो उसमें अविश्वास कैसे आएगा, ऐसा मन न हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कलीसिया में उपस्थित हैं, इजरायली हैं, फेस से बाय फेस वैल्यू दे आर इजरायली, दे आर द चोजन पीपल, जो परमेश्वर की निज प्रजा हैं, पर उनका मन कहीं और है, समझ रहे हो। 40 सालों के अंदर जब नए नियम में जब पतरस ने प्रचार किया था ना प्रेरितों के अंदर, जब इज़राइल के अंदर, वहाँ पे लिखा है क्या 40 साल तक तुम मुझे पूछते रहे, नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे तंबुओं के अंदर राफान देवता के अवतारों को लिए तुम फिरते थे, समझ रहे हो। मूसा की अगुवाई में निकले तो थे, उनके तंबुओं के अंदर मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, प्रभु ने उनको देखा था, क्या तुम मुझे पूछते थे। आज ऐसी चीज़ें कलीसिया में हो रही हैं, हम उजागर करेंगे और परमेश्वर का आत्मा उजागर करेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। आज का दिन, जो विश्राम का दिन, जब तक हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, एक दूसरे को समझाते रहो, मुंजी भेण, मुंजा बा, ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। पाप है ना डीठ बना लेता है, जैसे शैतान,
परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है ना, दयालु है ना। कितना भी बड़ा पापी हो जाए, आतंकवादियों को माफ़ किया, बलात्कारियों को माफ़ किया, मर्डरर्स को माफ़ किया, चोरों को, व्यभिचारियों को, मूर्ति पूजों को माफ़ किया है कि नहीं किया? शैतान को माफ़ क्यों नहीं करा परमेश्वर? वो तो स्वर्गदूत था, उसको भी बनाने वाला परमेश्वर, सेकंड मोस्ट पावरफुल चीज। परमेश्वर शैतान को माफ़ कर देता था ना, समझ रहे हो? हम काम कर रहे हैं, शैतान ने सिर्फ सोचा था, उसने काम किया नहीं था, सिर्फ सोचा था मैं परमेश्वर के जैसा हो जाऊँ, गिराया गया ऑन द स्पॉट। उसको माफ़ी क्यों नहीं मिली? गलती नहीं मानता है, वो कठोर है, समझ रहे हो? पापी मंदिर में आकर पश्चाताप कर रहा है, कभी बाइबल में पढ़ा है शैतान ने पश्चाताप किया, उसने अपनी गलती मानी? हाँ, समझ रहे हो आप? सवाल आएंगे आपके मन में, मेरे मन में भी आया था नया नया, तो परमेश्वर शैतान के शोर ना तो माफ़ करे, वो तो आया था स्वर्गदूत ना, वो तो आर्कएंजल हो ना, वो वर्शिपर हो ना। जितनी वर्शिप हम लोगों ने नहीं की ना आज तक, उससे ज़्यादा कहीं गुना अच्छी वर्शिप वो शैतान अपने समय में लूसीफर जब था तब कर चुका था, फिर भी उसको गिराया गया। पाप के शर्म में आकर तुम कठोर ना बन जाओ। और मैं सच बता रहा हूँ, कई जगहों पे मैं कठोर बना था और परमेश्वर मुझे तोड़ा है, और आज ये वचन उसके लिए ही है। अनुग्रह है ना, कोई देख थोड़ी रहा है ना, लोगों को पता थोड़ी चलेगा। मेरी इमेज तो मस्त है ना कलीसिया के अंदर, हाँ मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं तो आराधना कर रहा हूँ ना, मैं तो सेवादारी हूँ ना, मैं तो एल्डर हूँ ना। पाप के शल में आकर कठोर मत बनो, कठोर बना गिराया गया। हालेलुया, आगे। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, ये कह रहा है कि हम मसीह के साथ भागीदार हुए हैं, इसीलिए जो प्रथम भरोसा, जब हम नए नए विश्वास में आए थे, जब हम परमेश्वर को शायद इतना नहीं जानते थे, जब उसने पापी होते हुए हम पर दया की, हमें ग्रहण किया अपना बेटा बेटी होने के नाते, उस प्रथम भरोसे पर स्थिर रहें और दृढ़ता से बने रहें। ओवर द पीरियड ये हो जाता है, एटीट्यूड बन जाता है, कोई देख थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी चलेगा, मुझे वचन पता है, मैं माफ़ी मांग लूँगा ना, या ऐसे ही बोल दूँगा ना, नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता उस भरोसे को, जो पहला सा प्यार है ना वैसा ही चाहिए उसे, वो भरोसा वैसा ही चाहिए। क्यों चाहिए आगे हम देखेंगे, कुछ बातें आएंगी आपके सामने, आप तय करना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। ये सेकंड टाइम आ रहा है, 7 में भी ये था, 15 में भी ये है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो अपने मन को कठोर मत करना जैसा क्रोध दिलाने के समय या परीक्षा के दिन पे उन लोगों ने किया था। किन लोगों ने? बोलो, इसराइलियों ने, विश्वासियों ने, परमेश्वर के चुने हुओं ने, परमेश्वर के सेवकों ने, उन्होंने किया था। यह विश्वासियों की बात नहीं हो रही है, अन्य जाति की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर के लोगों की बात हो रही है। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया अपने कामों से, अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपने कार्यों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया। आगे, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? अभी पूछ रहा है कौन लोग, जैसे हम बोले क्या, कौन थे ऐसा, कौन लोग थे भाई जो परमेश्वर को क्रोध दिला सकते हैं? आगे, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? क्या वही नहीं थे जो परमेश्वर के दास पास्टर की अगुवाई में उस मिस्र से, उस पाप से निकले थे? क्या वही लोग थे? ऐसा हो सकता है जो एक अच्छे पास्टर की अगुवाई में पाप के जीवन से निकले थे, गुलामी से निकले थे, क्या वे परमेश्वर को क्रोध दिला सकते हैं? हाँ वही है। आगे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? किन लोगों से? 40 साल, 4 दिन नहीं, 4 क्षण नहीं, 40 साल तक वो उनसे गुस्सा रहा। कौन लोग थे वो? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? 40 साल जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने पाप नहीं किया वे पहुंचाए गए,
वो दो लोग थे और उनके बच्चे जो उनकी उम्र नीचे थी, जो भले और बुरे के विषय में उस समय नहीं जानते थे, पर जो जानते थे, जिनको प्रॉमिस मिला था, जिन्होंने व्यभिचार किया था, मूर्ति पूजा की थी, घमंड किया था, दोष लगाया था, कुड़कुड़ाया था, वे लोग लिखा हुआ है जिन्होंने पाप किया, उनके शव जंगल में पड़े रहे, उनको वो उस देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, वो यहीं पर ढेर हो गए। आगे, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हालेलुया। लिखा है किन से उसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे, जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अब आप बोलोगे मैं तो बहुत सारी आज्ञा मानता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बोला जा इसको सुसमाचार सुना, और मैंने नहीं किया, बहुत कठिन है, मैंने उसे सुसमाचार नहीं सुनाया, ये हुआ मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहा जा इसके लिए प्रार्थना करे, दुख में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी है, और मैं अपना वर्ल्ड कप का मैच देख रहा हूँ, बाद में जाऊँगा, और वो व्यक्ति मर गया, समझ रहे हो? वो मरता अपनी जगह पे मरता, पर प्रभु का आत्मा उस समय कह रहा था तू जा, और मैंने अपना प्रेफरेंस कुछ और बोला। मैं दूसरों के लिए करता हूँ, आज भी करता हूँ, आप देखते हैं मैं कलीसिया के एंड में खड़ा रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं अपना उदाहरण ले रहा हूँ ताकि आप उस बात को रिलेट कर पाओ, अगर मैं किसी और का नाम लूँगा तो उसको बुरा लग सकता है, पर समझो मुझे किसी समय प्रभु ने बोला कि जा, और मैं वहाँ पे मैच देख रहा था, मैं कलीसिया में प्रभु मैं प्रार्थना तो करता हूँ ना सबके लिए, इतने लोगों के मैं सबके पास जा थोड़ी पाऊँगा, ये होता है कठोर हो जाना। प्रभु बोल रहा था उस समय, वो 10 जनों को भेज सकता था, पास्टर राजेश को भेज सकता था, पर प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि सनी तू जा, और मैंने उस बात को टाल दिया, समझ रहे हो? क्या उसी से नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हम पता है आज्ञा को किस बात से लिखते हैं, व्यभिचार से और मूर्ति पूजा से, इन दो चीज़ों से काली रिलेट करते हैं, पर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं परमेश्वर जिसमें आज्ञा मानना चाहता है। अगर आप इसका उदाहरण जानना चाहते हो ना, जब निर्गमन में प्रभु ने मूसा से जब बातें की ना, जब छुटकारा दिया, जब पहाड़ पे उसे दर्शन मिला था ना, तो उसे था कि प्रभु एक स्थान बनेगा, तो प्रभु ने उसे स्वर्ग में जैसा उसका भवन है वैसा दिखाया, बोला तूने जैसा मैंने तुझे दिखाया है उसी प्रकार से तू यहाँ पे बनाना तंबू मेरा। एक एक बात, कपड़ा, कुर्सियाँ, उसकी माप क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, वो कैसे सिया जाएगा, याजक के कपड़े कैसे होंगे, हालेलुया, 3 भाग कैसे होंगे, सब चीज़ वहाँ पे, बर्तन कैसे होंगे, एक डॉट बाय डॉट चीज़ बताई गई थी। और वहाँ पे एक बात अच्छी लिखी गई है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी मूसा ने वैसा ही किया, समझ रहे हो? मुझे अपनी डेढ़ शानी लगता है, नहीं ना प्रभु लाल क्यों बोल रहा है, इस पे तो गोल्डन कलर अच्छा लगता ना, समझ रहे हो? लाल तो लाल, ब्लू तो ब्लू, और बोल सकता था ना प्रभु, समझो उसने बोला 10 फीट का ये बर्तन बनाना या 10 फीट का ये बनाना, प्रभु 10 फीट क्यों, ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, 20 फीट का बनाता हूँ ना, पैसे हैं, बहुत सारा सोना आया है, समझ रहे हो? 20 फीट अच्छा लगेगा ना, थोड़ा और ऊंचा लगेगा तो लोगों को और अच्छा दिखेगा, इस पे और थोड़े 4-8 डायमंड और डाल देता हूँ, मस्त डिज़ाइन दिखेगी प्रभु। बार बार परमेश्वर मूसा को बोलता है जैसा मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया था वैसा ही तू बनाना, और मूसा देख के आया था, फिर यहाँ पे आके लोगों को, कारीगरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो कपड़े बनाने वाले, जो कारपेंट्री करने वाले हैं, जो बर्तन बनाने वाले हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसमें भी ऐसा था कि वो उनसे चूक नहीं हो, जैसा मैंने थे जो बोला ना वैसा ही उनको इंस्ट्रक्शन देने, वही माप देनी है, वही कलर बताना है, वही डिज़ाइन बतानी है, और परमेश्वर ने उनके अंदर अपनी आत्मा डाली, और लिखा है उन्होंने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर उनसे चाहता था। नए नियम में पढ़ोगे ना, जैसा परमेश्वर की आत्मा ने चेलों को बताया, चेलों ने वैसा ही किया, एग्जैक्टली लाइक दैट। पर आज मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपने कई जीवन में, मसीह जीवन में, मैंने अपने तरीके से सेवा करने की कोशिश की है, समझो आज आपको बोला गया इस सब्जेक्ट पे वचन बोलना है, पवित्र आत्मा, पर आप अपने
मेरे मन में समझो किसी के लिए गुस्सा बढ़ा है, किसी ने कलीसिया छोड़ दी या किसी ने सेविका ही छोड़ दी और मेरे मन में वो पिक्चर घूम रही है, पर आज मैं वचन के दौरान उसके ऊपर भड़ास निकाल दी, मैंने किया है, मैं उसके लिए परमेश्वर से क्षमा चाहता हूँ। शायद उससे कलीसिया की उन्नति नहीं, मेरी भड़ास निकली, पर मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। आज हम में से कई जन ऐसा कर रहे हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। एक जगह पे लिखा है कौन उस राज्य में प्रवेश करवाएंगे, वही और कौन मेरे भाइयों बहनें जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। वचन को सुनते नहीं हैं, जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जो पुराने नहीं हैं, मेरे भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं। सिंपल बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम कई बार इच्छा और आज्ञा को है ना सिर्फ मूर्ति पूजा और व्यभिचार तक सीमित करते हैं। हम में से काफ़ी जन मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, काफ़ी जन शायद व्यभिचार भी नहीं करते होंगे, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उसकी आज्ञा में ही नहीं है। वो बातें आएंगी आगे। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। विश्वासी और उसके अंदर अविश्वास कैसे, समझ रहे हो? इज़राइल थे ना, निज प्रजा थे, परमेश्वर के चुने हुए थे, प्रॉमिस भी उनके लिए था कि तुम्हें दूध और मधु वाला देश मिलेगा जहाँ पे दारें मिलेंगी। इट इज़ फॉर यू, मैं तुम्हें इसीलिए निकाला है कि तुम वहाँ पे पहुँचो, और मैंने तुम्हें अगुआ भी दे दिया जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। प्लस मैं स्वर्ग से तुम्हें रोटी भी दूंगा, पानी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। इवन तुम जंगल में जाओगे ना, जंगल के जो विश्व वाले जानवर हैं ना, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हें जब ट्रेवल करना है, किसी के ऊपर ऐसी हिम्मत और ताकत नहीं होगी। वो कैसे होता था पता है? दिन के समय में उनको धूप न लगे क्योंकि रेगिस्तानी था, बहुत जंगल का समय था। परमेश्वर एक बादल का खंभा बनकर पूरी छावनी के ऊपर रहता था ताकि उनको कभी वो गर्मी वो एहसास ही ना हो। और रात भी होती थी 40 साल, समझ रहे हो? तब तो लाइट का इजाद भी नहीं था, कब बल्ब ट्यूबलाइट तो थे ही नहीं। रात के समय में जंगल में कैसे चलोगे? जंगली जानवर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। परमेश्वर रात के समय में आग का खंभा होकर उनको रोशनी भी देता था और किसी ऐसी वस्तु को उन्हें छूने भी नहीं देता था, उनकी रक्षा करता था 40 साल, समझ रहे हो? 40 साल परमेश्वर को वो देखते थे, उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस आग और बादल के खम्भे में प्रतिदिन। फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे, फिर भी वो उसके दास के लिए उल्टा सीधा बोलते थे, फिर भी वो उन्होंने व्यभिचार किया, फिर भी उन्होंने मूर्ति बनाई, समझ रहे हो? उनकी डिठाई और कठोरता को देख रहे हो, समझ रहे हो? आज हम हैं उस पोजीशन पे कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। आज कुछ बातें आज हमारे बीच में आने वाली हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ पे ऐसे लोग, जवान और बुज़ुर्ग और बड़े बैठे हुए हैं जो मोबाइल पे ऐसी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, विश्वासी उद्धार पाए हुए और सेवादारी, जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो गंदी लिंक्स हैं, इवन जो उनके फ्रेंड सर्कल है, जो सोशल नेटवर्क है, बहनें भी, चाहे वो शादीशुदा हैं या बिना शादीशुदा भाई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो तुम्हारी फ़ोन पे कॉलिंग चल रही है, ऑडियो वीडियो, वहाँ पे जो व्यभिचार की चीज़ें आप कर रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है मैंने देखा है, मैंने देखा है। उन बंधनों में जो हो उनमें से निकलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे स्टेटस कलीसिया में, जो तुम्हारा जीवन है, पल्लू पहन के आते हो, पर जो सोशल मीडिया में या लाइव में ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, खास करके बहनें, जो ऐसे कपड़े पहनती हैं और उसको धड़ल्ले से रखती हैं स्टेटस पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, परमेश्वर ने उन चीज़ों को देखा है। आज नहीं सुधरे तुम्हारा आने वाला जीवन, या पारिवारिक या शादीशुदा या ऐसा कोई भी जीवन, उसमें तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे माँ बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं
जिनका मन परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं है, जिन्होंने ये तय कर लिया है हम विश्वासी शादी नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिए, और संसार के हिसाब से अपने बच्चों के लिए तय करना चाह रहे हैं रिश्ते, और परमेश्वर की इच्छा में बार बार बाधा डाल रहे हैं पैसों की वजह से, स्टेटस की वजह से, किसी और भी चीज़ की वजह से, परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे माँ बाप के विरुद्ध में हूँ। उनके बच्चे शायद सिंसियर हैं, उनको शादी करनी है विश्वासी से, पर वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें रिश्ते आ भी रहे हैं, अच्छे प्रभु भेज भी रहा है, पर वो अपना स्टेटस, पैसा लोगों को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को सब दिखाने के लिए, इवन उनके अविश्वासी जो उनके साथ नहीं रहे उनकी बात मान के अपने बेटे और बेटी के विरुद्ध में परमेश्वर की इच्छा को टाल रहे हैं। परमेश्वर आने वाले समय में आप शायद अपने बच्चों का रिश्ता शायद कर भी पाओ, पर आने वाले समय में जो उसका नतीजा आएगा उसके जिम्मेदार परमेश्वर बोला तुम खुद होंगे, और उस समय तुम्हें शायद पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, नाक रगड़ोगे पर नहीं बदल पाओगे इस चीज़ को, समझ रहे हो। जवानों ने जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को न जानते हुए अविश्वासियों के अंदर कहीं पे भी अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढा है, रिलेशनशिप में हो, गलत किया है, परमेश्वर ने उन चीज़ों को देखा है, परमेश्वर उन चीज़ों से आपको निकालना चाह रहा है, आज मौका है, अंगीकार कर लो। यहाँ पे ऐसे विश्वासी हैं जो सेवा कर रहे हैं पर आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी जलन है, इतनी जलन है लीडर्स की, उनको अगुवाई में नहीं चलना है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, चाहे वो वचन के मामले हो, चाहे सेविकाई के मामले हो, अपने जीवन के मामले हो, इवन पास्टर्स के लिए भी उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस कलीसिया में हैं, उद्धार पाया हुआ है, पर कलीसिया के हित में एक भी चीज़ उनको पसंद नहीं है। परमेश्वर ने उन चीज़ों को देखा है, वो नाम जानता है। आने वाले समय मैं नाम किसी का नहीं जानता हूँ, ये जो मन में मेरे बातें आ रही हैं, जो आत्मा बता रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर आने वाले समय में अगर आप नहीं सुधरे, कोई तो ऐसा प्रभु का दास या दासी आएगी यहाँ पे, वो नाम लेकर आपको उठाएगी या उठाएगा। सीधे हो जाओ, ये मौका है, बहुत परिणाम दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाइबल के अंदर प्रभु का दास शाऊल राजा था, पहला परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, दूसरा राजा था दाऊद जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, दोनों अभिषिक्त थे। दाऊद की एक प्लस पॉइंट थी, उसे पता था मेरा राज अभिषेक हुआ है, उसे पता था शाऊल गलत है, बेवजह मेरे पीछे पड़ा है, परमेश्वर ने दो या तीन बार उसको उसके वश में कर दिया, फिर भी उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। लोग उसे बोल रहे थे हम तेरे साथ में, आज ही शाऊल को मार दे, परमेश्वर उसके दास के शब्द थे ये अभिषिक्त है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं करूँगा। मेरे इस कलीसिया के किसी भी प्रभु के दास, जो पास्टर जी हैं या कोई भी हैं, इवन एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, परमेश्वर बोल रहा है उनका न्याय मैं करूँगा, उनको सिखाना, उनको तारना देना मेरा काम है, पर तुमने मेरे अभिषेक के विरुद्ध में कहने से क्यों नहीं घबराए, प्रभु कह रहा है। गलती शाऊल से ये हुई थी, शाऊल को पता है क्या लग रहा था, अभिषेक मुझे राजा बनाने वाला मेरा परमेश्वर ही तो है, जब उसने बनाया मेरे को कौन हटा सकता है, इसलिए मैं पाप करता जाऊं, आज्ञा उल्लंघन करता जाऊं, मुझे कौन नीचे गिराने वाला है, ये शाऊल की सोच थी, पर परमेश्वर ने उचित समय पे उसे गिराया, अभिषिक्त था, गॉड डेल्ट विथ हिम, अपने ही दास शमूएल को भेज के कि आज तुझसे तेरा राज्य छीन लिया गया, ये अभिषेक गया, समझ रहे हो। परमेश्वर ने डील किया, दाऊद ने उसके विरुद्ध नहीं गया, और उसके दुष्परिणाम जिन्होंने उसके दासों के ऊपर हाथ डाला है, उनके परिणाम अगर आप पुराना नियम खोल के पढ़ोगे, अकेले उनको नहीं भुगतने पड़े थे, उनके बीवी बच्चों को भुगतने पड़े थे, समझ रहे हो, उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा था। परमेश्वर आज आपको वार्न कर रहा है,
जितना तुम मेरी कलीसिया के विरुद्ध में बोल चुके, जितना मेरे दासों के विरुद्ध में बोल चुके, मैंने सह लिया, अब नहीं सहूंगा। आज के बाद कभी भी कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आज के बाद वो परिणाम आपको बाद में नहीं, इंस्टेंट दिखाई देंगे। परमेश्वर कह रहा है, क्या बोल रहा हूँ? इंस्टेंट दिखाई देंगे। इसलिए तौबा कर दो, नाक रगड़ कर। मैं क्या बोल रहा हूँ? उठाना नहीं है दोष, नहीं। आज आपको परमेश्वर बंधनों से, श्रापों से छुटकारा देना चाहता है। और ये सबसे बड़ा श्राप है, जब पाप करके जो श्राप आता है, एक उससे परमेश्वर छुड़ा सकता है, पर जो श्राप परमेश्वर की तरफ से आएगा, आप पीढ़ियां लग जाएंगी, आप उसमें से निकल नहीं सकते। ये डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई गलत टीचिंग नहीं है। परमेश्वर श्रापों से छुड़ाएगा, जो आपके पाप के कारण, शैतान के कारण, कहीं पे भी आपके बाप दादाओं की गलतियों के कारण आपके ऊपर पड़े, पर जो श्राप परमेश्वर की ओर से आया, उसमें से आप नहीं निकल पाओगे। आप बोलोगे परमेश्वर कैसे श्राप दे सकता है? आपने व्यवस्था विवरण पढ़ा है, 28 अध्याय की आशीषें पता है, 1 से 13, पर 13 के बाद ये ना उसके एकदम डबल अमाउंट में कर्सेस हैं। 1 से 13 तक ब्लेसिंग है, 12 वचन 13 वचन ब्लेसिंग है, उसके एग्जैक्टली डबल जो है श्राप है। प्रभु ही बोल रहा है, मैंने तुम्हारे सामने आशीष भी रखी और श्राप भी लिखा, मेरी इच्छा है तुम जीवन को और आशीष को चुन लो। समझ रहे हो? गॉड इज गिविंग यू द वार्निंग। ये वार्निंग मेरे लिए भी है, यहाँ पे मौजूद हर एक सेवादारी एल्डर सबके लिए है। जहाँ पे भी हम लोगों ने डिठाई दिखाई प्रभु के दास के लिए, कलीसिया के लिए, हमारी किसी कलीसिया के लिए नहीं, सत्य मार्ग के लिए बोल रहा हूँ, कोई और भी कलीसिया है, कोई और भी पास्टर है, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, किसी के लिए मत बोलो। वो अपने कामों से अपनी बातों को दिखा रहा है, जो भी कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, प्रभु तय करेगा। बोलो प्रभु तय करेगा। प्रभु से मांगो, मन में माफ़ी मांगो, कहीं पे भी आंखें बंद करके माफ़ी मांगो, प्रभु क्षमा कर, तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन के लिए, तेरे अभिषेक दासों के लिए हमने कहीं पे भी बुरा भला कहा है, दोष लगाया है, हमें माफ़ कर दे, और इस बुराई का पलटा हमारे परिवार, हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आने दे। प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर। क्यों पश्चाताप करना पड़ेगा? मरियम ने, जब परमेश्वर ने उसको कन्फ्रंट किया ना कि तू मेरे दास के विरुद्ध बोलने से डरी क्यों नहीं, उनकी स्टेटमेंट क्या थी? सिर्फ मूसा से ही परमेश्वर बात करता है कि हमसे नहीं करता है, कि हम क्या उसके सेवक नहीं है क्या? मरियम भी विश्वासी थी, उसकी बहन थी, हारून याजक था, वो सेवक थे, परमेश्वर उनसे भी बात करता है। देवर लाइक एटीट्यूड, वो कौन है हमें इंस्ट्रक्शन देने वाला, वो कौन है हमें सिखाने वाला, वो ऐसा बोलेगा तो सिर्फ परमेश्वर क्या उसकी सुनेगा क्या? और बहुत सारे विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा से हम सीख रहे हैं, हमें पास्टर से ज़्यादा पता है, हम ये टीचिंग जानते हैं, हम डीप टीचिंग जानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सेवक नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये आत्मा से भरा हुआ नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है, कुछ भी बोलते जा रहे हो। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला है और जो इब्रानियों के वचन के अनुसार आया है, ये उन्होंने गलतियाँ की, आज हम विश्वासी गलतियाँ कर रहे हैं और परमेश्वर ने देखा है, सुना है, और परमेश्वर चाहता है यहाँ से कलीसिया आज छूट कर जाए। उसकी इच्छा है उसके बच्चे कनान देश में पहुँचे, उसकी इच्छा है उसके बच्चे विश्राम देश में पहुँचे, क्योंकि आगे पढ़ोगे लिखा है ये चीज़ें दृष्टांत की रीति पे उनके लिए, हमारे लिए लिखी गई थी, ताकि हम उनसे सीखें। हालेलुया, समझ रहे हो? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने देखी है, भाई भाई के बीच में, बहनें बहनों के बीच में, सास बहू के बीच में, पड़ोसियों के बीच में। आप बहुत गलत कर रहे हो, आपकी नज़र दूसरों की पत्नियों पर कैसी है, दूसरों के पति पर कैसी है, चाहे वो अर्न ज़्यादा कर रहा है, उसका स्टेटस ज़्यादा है, उसके पास कार है, उसके पास बंगला है,
आप अपने पति के लिए कैसी घृणा रखती हो, पत्नी के लिए कैसी घृणा रखते हो, चाहे वो मोटी हो गई है, नाटी हो गई है, काली हो गई है, परमेश्वर देख रहा है। आप सेवा कर रहे हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर इन बातों को देख रहा है। मूर्ति पूजा के विषय में बोलूं, यहाँ पे ऐसे भाई बहन बैठे हुए हैं उद्धार पाए हुए, जिन्होंने आशीषें पाई, गवाहियाँ दी हैं, आज गांव में अपनी कुल देवता कुल देवी को भी पूजते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपने गुरुओं की वर्षियाँ मनाने हर साल जाते हैं उन स्थलों पे जहाँ पे पहले जाया करते थे। परमेश्वर देखा है इन बातों को, उसका मन ऐसा है, उसने अपने क्रोध को संभाल के रखा है। अगर आप अपने परिवार अपने बच्चों का भला चाहते हो और अपने परिवार के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि चाहते हो, आज से इन कामों को बंद करो, अपने जीवन से अपने मन से उन मूर्तियों को निकाल फेंको। किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने सब देखा है। कितने सालों से कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मन मेरे प्रति सीधा नहीं है। फिर रोते हुए क्यों आते हो, मुझे आशीष दे, क्यों बोलते हो मुझे चंगाई दे। वो सवाल पूछेगा आपसे, क्या बेटी मेरे बेटे, जब तू मेरे पास आया अपनी बेटी की या अपने बच्चों की दुआई लेकर, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, क्या मैंने तेरी नहीं सुनी थी, तो क्यों मेरे प्रति तू सीधा नहीं है, तुम मेरे प्रति क्यों सीधा नहीं है, मेरी बेटी तू मेरे प्रति क्यों सीधी नहीं है। प्रभु आज आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या 40 साल तक क्या तुम मुझे पूछते थे, तुमने अपने तंबुओं के अंदर उन तारों को लिए फिरे और आफान देवताओं की मूर्तियों को लेके फिरे, एक क्षण 40 दिन नहीं लगाया तुम लोगों ने मूर्ति बना लियो, कहा कि ये हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आज वो मूर्तियां अपने मन से निकालो। शायद आपने पैसों को पहला स्थान दिया है, पैसों को। आज विश्वासी, खास करके मैंने भाई देखे हैं, लॉकडाउन के बाद भाई काफ़ी कम हो गए हैं कलीसिया में। सब बोलो बिजनेस में, पैसे कमाने में, गलत कामों में घुस गए, जैसे संसार, जैसे दोस्तों को करते हुए देख रहे हैं, सट्टा, मैच फिक्सिंग, उसमें घुस गए हैं, क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे नहीं कि शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना कोई बुरा है, पर उसको जुआ की रीति पर, उसमें एक लिमिट है, एक तरीका होता है किस चीज़ को करने का। जो लोग उस चीज़ में गुस्से हो, आपको लग रहा है आप दिन रात ऊपर हो जाओगे, मैं कई बार लिख के दे रहा हूँ, ऐसे बहने भाई जिस चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है गुस्से हो ना, आज आप पछता रहे हो पर आप मुख से बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गए थे। आपने संसार की सुनी, परमेश्वर की नहीं सुनी। परमेश्वर उन चीज़ों से आपको निकालना चाहता है, परमेश्वर उन लॉसेस को रिकवर करके दे सकता है, अगर आपने पश्चाताप किया तो, आपने अगर अंगीकार किया तो लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। पर अगर आप डीठ बने रहे, एक क्षण आएगा आपके पास एक रुपया तक नहीं होगा, और तब आप नाक रगड़ोगे तब भी कोई सुनाई नहीं देगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक समय है, मन फिराव का एक समय है। क्या तुम्हें कृपादर्शी, मेरी सहनशीलता ये नहीं दिखा दी, लिखा है उसमें, मेरी सहनशीलता, मेरी कृपादर्शी मन फिराव का अवसर देती है। पर आज आपको ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर सुन रहा है, और मैं उन विश्वासियों से, भाई बहनों से नम्र विनती करूँगा हाथ जोड़ कर, जो आप ऐसे विश्वासियों को देख रहे हो जो व्यभिचार में हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, गलत काम करते हैं, और वो खुश हैं, उनके घर हैं, उनके पास गाड़ी है, एक समय आएगा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। पर आज वैसे विश्वासी उनको देखकर जो ठोकर खा रहे हैं, उनके मन में ये विचार आ रहा है, काश हम भी इनके तरह वैसा करते जैसे उनका मन होता था, हम मिस्र में अच्छे थे, हम मिस्र में अच्छे थे, हमारा पुराना जीवन अच्छा था, मैं जब लोगों को चीट करता था वो अच्छा था, तब पैसे बहुत कमाता था, तब मेरे पास गहने रहते थे, ऐसी बहनें सोच रही हैं, मेरे पास साड़ियाँ एक्स्ट्रा कपड़े रहते थे जब मैं ऐसा बुरा काम करती थी। ये परमेश्वर इसको नहीं डांट रहा है, आज से मैं भी ये काम करना चालू करूँ। शायद किस लोगों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, परमेश्वर कह रहा है उस मार्ग से लौटो, परमेश्वर कह रहा है उस मार्ग से लौटो, नहीं तो तुम मेरे विश्वास में प्रवेश करने न पाओगे। यहाँ पे ऐसे बिलीवर्स कुछ बैठे होंगे जिनको दारू पीना आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने गालियाँ बकना आज तक नहीं छोड़ा,
परमेश्वर ने कहा है मैंने देखा है तुम कहाँ दारू पीते हो, कहाँ गालियाँ बकते हो, आज सुधर जाओ, मैं परमेश्वर तुम पर दया करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम स्टेटस को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता मैं हूँ, सबसे बड़ा स्टेटस मेरा है, तुम मेरे सामने सीधे नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हम परमेश्वर के पास दया, अपनी आशीष, अपनी चंगाई पाने आए हैं ना। आज मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हम जब अंत में प्रार्थना करेंगे, जब अन्य भाषा यहाँ पे बोली जाएगी, यहाँ पे बंधन टूटेंगे, छुटकारे होंगे, ट्यूमर्स मिटेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने सिधाई से तौबा किया, उसकी जीवन को लिया, आज अपने बच्चों के जीवन में आशीष को पाएंगे। यहाँ पे ऐसी शायद कुछ बहनें हैं या भाई हैं जो विधवाओं और अनाथों के साथ सीधे नहीं हैं, आपने उनको लूटा है और कोसा है, उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया है, इसकी वजह से आज आपके बच्चों के जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है, उनकी शादी में। आज अपनी बातों से पश्चाताप करो, जिन्होंने विधवाओं को और अनाथों को सताया है, जो आपके गंदे शब्द थे किसी विश्वासी बहन या भाई के लिए, दोष की भावना, न्याय की भावना, जो भी आपने उनके विरुद्ध उल्टा सीधा किया, जिसकी वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आने वाले समय में या शायद हो रहा है आज आपके परिवार के अंदर खुद अशांति है क्योंकि आपने उनको सताया था, आज आपके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है क्योंकि आपने उनको, उनके बच्चों को सताया था, आज उन बातों से तौबा करो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं पता है कैसे मेरे मन में आ रही हैं, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना विश्वास करता हूँ ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये कार्य, ये काम प्रभु उजागर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इन कामों को ओपन देखा है, गुप्त में, सीक्रेट में, आप खाली समय में क्या कर रहे हो, कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, किन चीज़ों को नहीं कर रहे हो, बाइबल से दूर, प्रार्थना से दूर, संगति से दूर, अच्छाई से दूर, और फिर तो बोल रहे हो कि प्रभु तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, और दोष और सवाल परमेश्वर से, जब खुद की ज़िंदगी ख़राब है, जब खुद के कार्य खराब है, खुद की सोच खराब है, खुद के शब्द खराब है। परमेश्वर ने कहा जैसा तू चाहता है दूसरे तेरे साथ करें, पहले तू उनके साथ कर। आप दूसरों को इज्जत नहीं दे रहे हो, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए आपके मन में प्यार नहीं है, भलाई की भावना नहीं है, और आप अपेक्षा कर रहे हो कि मेरे साथ भला हो, मुझे इज्जत मिले, मुझे प्यार मिले। परमेश्वर इन चीज़ों से आपको निकालना चाहता है। ऐसी बहनें, ऐसे भाई यहाँ पे हैं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई यहाँ पे हैं, सेवा के अंदर इतनी जलन रख के बैठे हुए दूसरे भाई बहनों से, इतनी जलन, एक क्षण मना कलिसिया में रहते हैं, आराधना हो रही, स्तुति हो रही, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जा रहा है, उस जिस बहन से आपको घृणा है उसने एक गीत भी गा लिया, इतनी सड़न, इतनी जलन, और वो दूसरों तक आप पहुंचा रहे हो, परमेश्वर ने इन चीज़ों को देखा है, तौबा करो उन बातों से। परमेश्वर कलीसिया को, हर एक अंग को एकजुट देखना चाहता है, एकता में देखना चाहता है, एक दूसरे की संभाल करने वाला चाहता है, कि उसके दुख में, दुख में सहभागी होने वाला, उसकी खुशी में सहभागी होने वाला देखना चाहता है। क्या उस बहन ने आपका एक रुपया भी लिया है, फिर क्यों जलन कर रहे हो, परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है। सेवा में खड़ा करने का अधिकार परमेश्वर को है, उससे गिराने का भी अधिकार उस परमेश्वर को है, आप तय नहीं करोगे। शायद आपकी इसी भावना की वजह से आप कभी विश्वासी जीवन में, सेवा में आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर ऐसी घृणा बढ़ी हुई थी, और परमेश्वर ऐसी घृणा वाले को आगे आने देगा ही नहीं। परमेश्वर पवित्रता चाहता है, और जो लौटे हो, ये प्रभु की दया है, आज आप इस भवन में हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उसकी दया है, आज आप इस भवन में हो। ये जो पाप बोले जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उसकी प्रेजेंस में हो, परमेश्वर चाहता है आज मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए जान देने वाला मैं हूँ। शायद हम आज उसके बलिदान को भूल चुके हैं, उसके उसके ऊपर जो थूके लगाई गई, उसको जो चाटे मारे गए, उसको जो कीले मारे गए, जो कोड़े मारे गए, शायद हम भूल चुके हैं, परमेश्वर नहीं भूला।
परमेश्वर आज भी आपके लिए वही प्यार की भावना रख रहा है, वो आज भी आपको बचाना चाहता है। जब आप जान देने थे परमेश्वर, उस उपकार को नहीं भूला है, उस बलिदान को वो नहीं भूला है। आज भी यीशु दुआ कर रहा है हमारे लिए कि हम बच जाएं। परमेश्वर का शायद क्रोध हम पर आने वाला था, शायद मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, शायद मैं कोरोना में खुद जाने वाला था, पर उसकी दया ने मुझे बचा लिया कि मैं पश्चाताप करके अपने जीवन को सिधाई के मार्ग पर लेके जाके मैं आगे बढ़ूँ और उसकी महिमा करूँ। परमेश्वर हमसे पैसे नहीं चाहता, हमारे बड़े गढ़ नहीं चाहता, पर एक सीधा मन चाहता है। इजिकेल 36 का 26, इजिकेल 36 का 26 पढ़ेंगे। नंबर 1012, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। 25 पढ़ो, 25 और 27 इसी के। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। 36 का 25 और 27। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मैं अपना ये परमेश्वर की इच्छा है, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। खराब हो गए हो, ये इज़राइल के अंदर है ना, इसराइलियों ने बहुत मार खाई हुई है, वहाँ पे परमेश्वर उनसे दृष्टांतों में बात कर रहा है अपने दास इज़राइल के द्वारा कि मैं ऐसा ऐसा इज़राइल के साथ करने वाला हूँ। पहले मार खाने के लिए बोला है, फिर कैसे उनको चंगा करेगा। वहाँ पे ये पोर्शन बोला है, मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़क के तुम्हें शुद्ध करूँगा और लिखा है मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। और 27 में कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। क्या आपको करने की इच्छा है? हालेलुया। आप इस वचन को 36 का 27 जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस वचन को लेकर अपने नाम को लेकर इसका कन्फेशन करो। मैं अपना नाम लेकर, मैं सनी, मैं परमेश्वर सनी के अंदर अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि सनी मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करेगा। हालेलुया। करो, डीट मत बनो। मैं जानता हूँ आप भी कठोर हैं, तोड़ेगा, मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर ने भेजे हैं। जो नम्र बनेगा भलाई इसमें है। परमेश्वर जब त्याग देता है ना, लोग त्याग देते हैं, परमेश्वर सहारा देने वाला बैठा है। जब परमेश्वर त्याग देगा ना, सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। आप जितने बुरे आज हो उससे 100 गुना बुरे बन जाओगे। अच्छा की अपेक्षा नहीं करना, पर आज अगर आपने अपने मन को कठोर नहीं किया, प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं जो कठोरता डीठाई जो भी की है प्रभु, ये तेरा वादा है कि तू हमारे अंदर अच्छा मन उत्पन्न करेगा, तू अपना आत्मा देगा ताकि मैं तेरी विधियों पे चल सकूं, मैं तेरे नियमों का पालन कर सकूं। प्रभु तेरी मानकर, आज तक मैंने लोगों की मानी, अपनी मानी, पर आज से मैं तेरी मानकर तेरे अनुसार चलूँ, प्रभु ऐसा मन दे। सच्ची बोल रहा हूँ, तौबा करो, तौबा करो। एक और बात परमेश्वर कहना चाहता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, या माँ बाप हैं या पति पत्नी हैं, जिन्होंने अबॉर्शंस कराए हैं जबरदस्ती। आपकी गरीबी की परिस्थिति थी, आपके हालात अलग थे, आप उस बच्चे को नहीं चाहते थे, कोई भी है, परमेश्वर के सामने आ गया। ये ऐसा कर्ज है जो पीढ़ियों तक चलता जाता है, जिसकी मार पीढ़ियों तक पड़ती रहती है। ऐसे किसी पति पत्नी ने किया है या किसी माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करके कि ये करवाया है कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए या ये लड़की होने वाली है नहीं चाहिए, कुछ भी है, आज तौबा कर लो। परमेश्वर दया करने वाला है, श्रापों से वही छुड़ाता है, बंधनों से वही छुड़ाता है। परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बनाया। जो गलती हो गई, जो पाप हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। गलती नहीं है,
पाप का पश्चाताप होने के द्वारा ही पाप मिटता है। हालेलुया, हालेलुया। गलती मानी जाती है, पर जो पाप होता है उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। जो गलती है, पाप है, मानो गलती को, पाप का पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने सीधे हो जाओ, आप और आपका घराना, आपकी संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को कहना चाहता है, ये गुनाह उसकी कलीसिया में बर्दाश्त नहीं होंगे, परमेश्वर की मंडली में बर्दाश्त नहीं होंगे। वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से वरदान है, आशीष है। और जिन्होंने इस बात को नहीं समझा, संसार में किसी भी परिस्थिति में आके, आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार कर लो, प्रभु हमने अपनी चलाई, तेरी नहीं सुनी, हमें माफ़ कर दे, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। कोई भी ऐसा है, लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, जवान हैं, अगर इंगेज हो शादी तक, अपने बीच के रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना। ऐसा मत समझना हम वैसे भी शादी करने वाले हैं, एक बार हम शारीरिक संबंध बना लें या ऐसा कुछ कर लें, प्लीज़ आपसे नम्र विनती है, परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। उस रिश्ते की मर्यादा, उसकी पवित्रता को शादी तक बनाए रखें। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है इस वजह से कि आप आशीषित हो, फलवंत हो। जो भी सुन रहा है ऑनलाइन, आपसे नम्र विनती है, और कहीं पे भी आपने कुछ भी ऐसा ढूंढा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, चाहे वो आपका जॉब है, बिजनेस है, रिश्ते हैं, उन बातों में से निकल आओ। परमेश्वर नहीं तो अपना हाथ उठाएगा। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, पर कहीं कहीं पे, जैसे उसने कहा ना, ये दृष्टांत की रीति भेदे, कलीसिया में परमेश्वर दयावंत बना रहा, विलंब करता रहा, पर आज वो अपना हाथ उठाएगा। हम प्रभु से दुआ करें हम वो उदाहरण न बने कलीसिया के सामने। ऐसा नहीं हो थप्पड़ खाने वाले हम बने और हमारा नाम लिखाया जाए कि कलीसिया में इसको थप्पड़ इसलिए पड़ी ताकि दूसरे सीखें। समझ रहे हो, अपनी सेविकाई को, अपने विश्वासी जीवन को, हर एक बात को आप परमेश्वर की इच्छा से करो। आपकी सोच, आपके बोल, आपके कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। बोलो, मुझे विश्राम दिन में प्रवेश करना है, मुझे विश्राम दिन में प्रवेश करना है, मुझे विश्राम दिन में प्रवेश करना है, मुझे परमेश्वर के क्रोध का बागी नहीं होना। उन्होंने क्रोध दिलाया था, उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, मैं परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाऊंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा अब हम सब लोग घुटने पर आ जाएंगे, घुटने पर आ जाएंगे। मैं चाहूंगा पास्टर राजेश प्रार्थना में लीड करें, जिसको अन्य भाषा आती अन्य भाषा बोले, कोई रुकेगा नहीं। आज ऐसे भाई बहन जो परमेश्वर से आत्मिक दान और वरदान की अपेक्षा करें, जिनका मन सीधा है, इसी समय परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का, चंगाई का, अन्य भाषा का, चिन्ह चमत्कार करने का, विश्वास का, भलाई के काम करने का आपको दान वरदान देगा। और जिसके बंधन हैं, जिसकी पीड़ाएं हैं, जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, इन गमियों की वजह से, इन गलतियों की वजह से, आज पास्टर जब लीड करेंगे प्रार्थना में, आप पुकारो परमेश्वर से, क्षमा मांगो, चिल्लाओ, चुप मत बैठो। परमेश्वर आज आपके बंधन तोड़ेगा, आज आपके रिश्ते जोड़ेगा, आज आपको चंगा करेगा, आज आपको छुटकारा देगा। कोई भी रुकेगा नहीं। मैं पुरानी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, मैं चाहूंगा भाई करण एक गीत गाएंगे जो अभिषेक के विषय में है। हालेलुया, वो लीड करेंगे, और इस दौरान परमेश्वर के दास प्रार्थना में भी जैसे उनको अगुवाई होगी करेंगे। आज हमें यहाँ से खाली होकर जाना है, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनके हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और मैं उससे उनके अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं उसे अपनी आत्मा दूंगा ताकि वो मेरी विधियों को माने और चले। हालेलुया, आज आपने जो भी अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने जॉब लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में,
अपनी मिनिस्ट्री की लाइफ में जो कुछ हमने अपने तरीके से किया, आज हम तौबा मांगेंगे। आज से जो कुछ होगा परमेश्वर की इच्छा से होगा, परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा, उसे शुद्ध करने दो। पतरस की इच्छा थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे पूरी तरीके से स्नान कर, मेरे पैर क्यों धो रहा है, ताकि मैं संपूर्ण रीति से शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि वो शुद्ध कर रहा है। हालेलुया, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हाँ प्रभु हम शुद्ध होना चाहते हैं, हम शुद्ध होना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर से उन कुल देवियों को, देवताओं को, उन पैसों की मूर्तों को, उस स्टेटस को निकाल दे। सोशल लाइफ वेरी टेरेबल। परमेश्वर बहनों को बोल रहा है कि सीधर जाओ, उस बातों में से निकल आओ। अपने कपड़े पहनने के ढंग को, अपने सजने संवरने के ढंग को मेरे वचन की रीति पर करो, नहीं तो मैं तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने वाला हूँ। हालेलुया। कन्फेस, अपने मुख को खोलो, प्रार्थना करो अन्य भाषा में, रुको नहीं, किसी को देखो नहीं। ये आपके और परमेश्वर के बीच में आज अपने सारे केसेस को, अपने सारे मैटर्स को परमेश्वर के सामने आपको क्लियर करने का अवसर मिल रहा है। प्रभु से मांगो, आज आपकी गलतियों की वजह से शायद आपके फैमिली में ब्लॉकेजेस हैं, आपके बच्चों के जीवन में, उनके पारिवारिक फैमिली में ब्लॉकेजेस हैं। परमेश्वर आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को ब्लेस करना चाहता है। सिर्फ गलती एक्सेप्ट करनी है, आप उसका अंगीकार करना है, परमेश्वर के बातों को सिर्फ स्वीकार करना है। इतना आसान परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिया है। वो पीढ़ियों के श्राप, जो बंधन, जो प्रार्थना इतने सालों से रुकी हुई है, वो इस क्षण में आप उत्तर पाओगे। बाहर जाकर आपको SMS आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा, सामने से वो व्यक्ति आ जाएगा जिसने आपके पैसों को रोक रखा है, क्योंकि आपने आज तक अपनी डिठाई को रोक के रखा है, आपने अपनी जिद को रोक के रखा है। इसीलिए आज तक आपके जीवन में, परिवार में शैतान के बंधन हैं, दुष्ट के कार्य हैं, उस बंधन से, उस श्राप से आज तक आप छूट नहीं पा रहे हो, पर आज वो अवसर है। उस मांगो परमेश्वर से, वो दया करने वाला है, वो आशीष करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो आपके जीवन को, आपकी सेविकाई को दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाना चाहता है। उससे मांगो आप। तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आ
आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा आज मुझ पे हो अभिषेक आज मुझ पे हो अभिषेक आज मुझ पे बहने दे आशीषों को आ फिर से नया कर दे खोने दे तुझ में मुझे तू दो के शुद्ध कर दे बहने दे आशीषों को आ फिर से नया कर दे खोने दे कुछ में मुझे तू दो के शुद्ध कर दे प्यासा हूँ मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए
के योग्य है तू हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू सारा आदर महिमा के योग्य है तू हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब लोग। आज प्रभु की एक बात बार बार हमारे सामने आ रही थी, परमेश्वर बार बार कह रहा था कि मैं तेरे कामों को देखता हूं। परमेश्वर हमसे कह रहा था वो सारे काम जिसके विषय प्रभु आज हमें धारणा दे रहा था, बता रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि मैं उन्हें देख रहा हूं। आज अपने मुख को खोलकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे तू क्षमा कर, मेरे गुनाह को माफ कर। प्रभु हम मान लेते हैं प्रभु हमने पाप किया है। परमेश्वर हमसे कह रहा था कि तुम में एक बुरा और हठीला मन न आ जाए जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले। हम सब प्रभु से कहेंगे मिलकर कि प्रभु तू मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु के आगे उस बात को मान लीजिए जो प्रभु ने आपसे कहा है कि तूने ये गलत बात मैंने देखी है। ओ लाशी खारा बारा रूहा मखारा बासीन थेर खेरे बेशन हुरा बासीन दखारा माना खूर बाला खीर बेशक। प्रभु हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं पिता। हमने प्रभु जी वो सारी बातें की प्रभु जो आपको पसंद नहीं है, प्रभु हमें माफ कर मेरे परमेश्वर। अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के लहू से प्रभु हमें धोकर शुद्ध कर। प्रभु और अज्ञाता हमें क्षमा कर, हमें माफ कर मेरे पर। ओ जीसस हमें माफ कर मेरे पर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आप हमसे प्यार करते हो। प्रभु आप हमें प्रभु जी अपना बनाए रखते हो। प्रभु हम पर अनुग्रह कर। प्रभु जब भी पवित्र आत्मा प्रभु आप हमसे बातें करे प्रभु हम आपको सही रेस्पॉन्स देने वाले बन पाए, ऐसा अनुग्रह पे कर पवित्र आत्मा। पिता आपसे माफी मांगते हमें क्षमा कर मेरे प्रभु। पिता हम में से प्रभु जिन्होंने प्रभु जी अब तक प्रभु जी आज आपने हमसे बात नहीं की, हमने प्रभु जी किसी ने भी प्रभु अबॉर्शन करवाया प्रभु उसे माफ कर मेरे पिता। किसी ने भी मेरे परमेश्वर परिवार का माहौल खराब किया मेरे प्रभु अपने शब्दों के द्वारा पिता उसे माफ कर मेरे परमेश्वर। पिता हमें बना प्रभु आज हमें नया कर मेरे परमेश्वर। हम माफी मांगते हैं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु,
लिखने दे आशीषों को आ, फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू दो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को आ, फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, फिर से नया कर दे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। प्रभु हमारे सामने खड़ा है, अपने जुबान खोलकर प्रभु से कहिए, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी, आराधना सारी जिंदगी करता रहूंगा, तेरी नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु से हम एक बार और माफी मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैंने इस जुबान से गंदी गालियां दी, मुझे माफ कर प्रभु, क्रोध के अंदर मेरे परमेश्वर मैंने इस जुबान से प्रभु बहुत लोगों को प्रभु मैंने हर्ट किया है, प्रभु अनाप शनाप शब्द कहे हैं, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, इस जुबान से मेरे परमेश्वर मैंने प्रभु जी मृत्यु को बोया है, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूं प्रभु, इस जुबान से प्रभु मैंने डर को अपने अंदर एंट्री दी है गलत बोलने के द्वारा, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, गलत मीनिंग्स वाले मैंने शब्द निकाले, प्रभु मुझे माफ कर, ओ सी सा 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 सा, परमेश्वर तोड़ने जा रहा है इस वक्त हर एक उन बंधनों को जो जो हमने जो खड़े किए हैं, जीसस थैंक यू होली स्पिरिट, परमेश्वर हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, इस जुबान से हमने तेरे दासों के लिए प्रभु जी चुगलियां पहुंचाई, गंदी बातें की, तेरे अभिषेक के प्रभु जी विरुद्ध हमने प्रभु गलत बोला, हमें क्षमा कर प्रभु,
हमें माफ कर मेरे परमेश्वर। अपनी बूढ़ी माँ के लिए गुस्से के अंदर कुछ गलत शब्द कहा है प्रभु, हमें माफ कर मेरे परमेश्वर। अपने पिता को तुच्छ जाना है इस शब्दों के द्वारा, हम प्रभु आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर पिता, हमें माफ कर प्रभु, नया जीवन दे। मैं प्यासा हूं तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, हाँ यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सागर हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करने वाले मेरे परमेश्वर हैं। आज हम सब अपने आप को आपके आगे सौंपते हैं प्रभु, बस प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु हम गीत भी गाते हैं प्रभु, तेरा उठना बैठना प्रभु तेरे लोगों के प्रभु जी बीच में होता है प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, बस आपसे हमारी यही मिलकर की प्रार्थना है प्रभु, आप हमेशा हमारे अंदर बने रहे प्रभु, हम सच्चे दिल के साथ आपसे यही कहते हैं प्रभु, अपनी प्रेजेंस को प्रभु आप हमसे तो अलग नहीं करते प्रभु, पर हम पर अनुग्रह करना प्रभु, हम आपकी प्रेजेंस से प्रभु कभी दूर ना भागें प्रभु, हम सदा आप में बने रहें प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, बस यही प्रार्थना करते हैं पिता, हम डरते रहें प्रभु, कांपते रहें प्रभु, पर हम पाप न करें प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हम फिर से प्रभु सच्ची दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, हमें माफ़ कर प्रभु, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु, बस प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे अंदर कोई कठोर मन ना आए जो हमें प्रभु आपसे अलग ले चले प्रभु, हम आपसे दूर होना नहीं चाहते प्रभु, हमें अपने निकट रख प्रभु, आपके करीब रहने में आप हमारी हम पर अपना अनुग्रह कर दया कर प्रभु, हमें संभाल प्रभु, हम आपके हैं प्रभु, आपसे दूर होना नहीं चाहते प्रभु, आप में रहने में प्रभु आप हमारी सहायता कर, यीशु के नाम से पिता आमीन। हालेलुया, हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा है, आज यहाँ से लोग चंगे होकर जाएंगे, अपनी प्रार्थना का उत्तर पाकर जाएंगे, नए बनकर जाएंगे, आने वाले समय में आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने वाला है। अंत तक परमेश्वर के नाम में, वचन में, विश्वास में, उसकी आत्मा में बने रहिए। सच में परमेश्वर भला है, वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है, उसकी सामर्थ वाला हाथ, उसकी प्रोटेक्शन का हाथ आपके ऊपर सदा बने रहे, आपके घराने के ऊपर सदा बना रहे, उसकी कलीसिया पवित्र हो उसकी इच्छा है, उसकी पवित्र कलीसिया शुद्ध हो, निर्जुरी हो, निष्कलंक हो, उसकी ये इच्छा है, उसने हमें इस कलीसिया में रखा है एक अंग के समान प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
अपना कार्य अच्छे से करें प्रभु, ताकि देह उन्नति पाए प्रभु। आज से हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीष बनाना प्रभु। हम तेरी पवित्रता में इस नए मन को लेकर जाएं प्रभु, एक स्थिर आत्मा को अपने साथ लेकर जाएं प्रभु परमेश्वर, और आपके इस अनुग्रह में सदा बने रहें प्रभु। अनुग्रह करना पिता, प्रभु ये तूने किया है, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम घटे आप बढ़े प्रभु परमेश्वर, प्रभु तूने कर दिया अपना कार्य, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ रहना प्रभु, अंत तक विश्वास में बने रहने में, पवित्रता में बने रहने में तू सहायता मदद करना प्रभु। तेरे दास को, तेरी कलीसिया को प्रभु, भाई बहनों को ब्लेस करते हैं तेरे नाम में प्रभु, यीशु के नाम में आशीषित हुआ प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा हर एक के जीवन से उपिता, यीशु के नाम से। बेटी अंशिका आगे आएगी। मैं चाहूँगा जब भी कलीसिया में प्रार्थना होती है, गीत होता है, जिसको जाना है वो शांति से जाया करे। हालेलुया। इस दौरान हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। बेटी अंशिका है, हाँ, तब तक एक सिस्टर गवाही देंगे। बेटी अंशिका है कहीं पे पीछे, नहीं तो मैं जाऊंगा भाई संजू और करण आगे आके आखिरी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी जो गवाही है मेरे बेटे कयान के लिए है, जो एक प्रभु की ब्लेसिंग है। आज मेरी ये गवाही स्पेशली सारी मदर्स को एनकरेज करेंगी जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हो, जो स्टडीज़ में हो। मेरा बेटा है ना, एक प्रभु की ग्रेस्ड बच्चा है, एक ब्लेसेड बच्चा है। ये है ना, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था इसने, एक मैथ्स कंपटीशन में, जिसमें उसने नेशनल लेवल तक क्वालिफाई किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग इसका एग्ज़ाम देने के लिए बड़ौदा गए थे। तो इसका एग्ज़ाम कुछ ऐसा था, 30 मिनट्स का एग्ज़ाम था, उसमें इसको 6 सम्स करने थे मैथ्स के। और वहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए ऐसा था कि 6 के 6 सम्स राइट होने चाहिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट, जब बच्चे ने फर्स्ट किया और राइट किया उसको मेडल मिलेगा। इसने एग्ज़ाम दिया तो इसके 5.5 सम्स ख़त्म हुए। लास्ट में इसका 1 सम रह गया जिसमें 2 लाइन्स इसकी रह गई, तो टाइम इसका पूरा हो गया। तो ये बाहर आया और बहुत सैड होके आया कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम फिनिश नहीं हुआ। इसको वो था कि मैं हर एक, मतलब मैं एक मेडल जीतूँ। तो ये आया, बोला मम्मी मेरे से क्वालिफाई नहीं होएगा एग्ज़ाम, बिकॉज पेपर ही पूरा नहीं हुआ, तो राइट और रॉन्ग का सवाल ही नहीं है। तो मैंने इसको बोला ठीक है कोई बात नहीं। और एग्ज़ाम के बाद हमको ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर रिजल्ट्स मिलने वाली थी, तो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो ये बहुत सैड हो गया, मेरे से अलग होके रोने लगा, ये मेरे पास आ ही नहीं रहा था। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो वहाँ पे मतलब मेरे को हमारी कलीसिया में बरखा सिस्टर है, उसकी गवाही याद आई कि जब उन्होंने अभी एक बाइबल एग्ज़ाम दिया था, जो उन्होंने बोला था कि मेरा पेपर सबसे वर्स्ट गया था, पर वो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आई। तो मैंने प्रभु को वहाँ पे प्रार्थना की कि प्रभु तू पक्षपात नहीं करता है, तूने बरखा सिस्टर के जीवन में गवाही की है, तो मेरे बेटे के जीवन में तू अवश्य करेगा। तो हम लोग बैठे थे, रिजल्ट्स अनाउंस हुई, होती जा रही थी रिजल्ट्स। तो मेरे साथ इसकी एक फ्रेंड की मम्मी थी जो अनबिलीवर है, उसके पापा ने आके मुझे बोला कि हमारे बच्चों ने तो एग्ज़ाम पूरा भी नहीं किया, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारे बच्चों को प्राइज़ थोड़ी मिलेगी, आप कैसे बैठे हो यहाँ पे, क्यों बैठे हो। तो मैंने इसके फ्रेंड की मम्मी को बस एक ही लाइन बोली कि मिरेकल्स हैपन। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, वो सिस्टर के बेटे का नाम अनाउंस हो गया, उसको गोल्ड मेडल मिला। तो मेरा बेटा और नर्वस हो गया कि मम्मी इसको गोल्ड मेडल कैसे मिला, इसका तो पेपर पूरा ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला कयान आप बैठो, ठीक है। वो सिस्टर के बच्चे का नाम अनाउंस हुआ, इसके ये और रोने लगा। उसके 10 नामों के बाद कयान का नाम अनाउंस हुआ, जो इसके हाथ में आज मेडल है, इसका गोल्ड मेडल इसको मिला। मैं मतलब जब इसका नाम अनाउंस हुआ तो मैंने प्रभु को यही बोला कि प्रभु तू ब्लैंक पेपर्स पे भी मार्क्स दे सकता है। मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका नाम कैसे अनाउंस हुआ, और ये मेडल आज प्रभु की महिमा के लिए है। इसका पेपर फिनिश भी नहीं हुआ, मैं नहीं जानती इसके मार्क्स कैसे काउंट हुए, पर आज ये नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत गया। 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें कयान गोल्ड मेडल जीत के लिया है। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ और एनकरेज करती हूँ कि हमें एक कदम बढ़ाना है, 99 प्रभु हमारे लिए बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा सारे बच्चों को। कयान भी कुछ बोलना चाहता है।
मैं इसमें दिल की सारी महिमा प्रभु को देता हूँ, वो असंभव को संभल करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक गीत गाएंगे, उसका नाम है यहूदा का शेर आने वाला है, उसका राज निकट है। हम इस गीत को शुरुआत करेंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर आज तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो, आज तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर आज तैयारियां कर, बीच में गवाही आई थी। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो हमारे भाई महादेव ने गवाही दी कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, 10 दिनों से कुछ ऐसी बातों के अंदर हमारे भाई अटके हुए थे। भाई प्रभु को महिमा देते हैं कि जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई, पूरी मीटिंग के अंदर प्रभु ने वो सारी बातों के अंदर उनसे बातें की। भाई बोल रहे हैं कि मुझे प्रभु ने इस मीटिंग के द्वारा पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है, मैं इसके लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। और दूसरी, हमारे भाई पीछे गवाही लेकर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट वीक उन्होंने अपने बेटी की इंगेजमेंट के लिए प्रार्थना करवाई थी, तो प्रभु ने उनकी उस प्रार्थना को सुना और उसकी बेटी की इंगेजमेंट हो गई। इसके लिए प्रभु को महिमा देते हैं। तो कहने का मतलब यह कि सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, जो हमसे प्यार करता है, जो बदलता है, जो ख्याल करता है, जो ध्यान देता है, और सबसे अच्छी बात, वो हमसे बहुत बड़ा प्यार करता है। तो जो हमसे प्यार करता है, तो आइए ऐसे परमेश्वर से हम लोग सब मिलकर आशीष को पास्टर सनी के द्वारा हम लोग अंतिम आशीष को रिसीव करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरी आशीष मुझ पर बनी रहे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवागता आज से लेकर सदा तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। भाई भाइयों से मिलेंगे, बहनें बहनों से मिलेंगी। जल्दी म्यूज़िक क्लास चालू होने वाला है, जो फेलोशिप लंच है जल्दी से करके हम लोग कलीसिया को खाली करेंगे। बहने राइट साइड, भाई लेफ्ट साइड, प्रभु आपको आशीष दे। जैसे वॉलंटियर आपको गाइड कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा हॉल में ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, खड़े होकर या अपना पार्सल लेकर यहाँ से जल्दी से कलीसिया को खाली करें। प्रभु आपको आशीष दे।